हे भगवान, तेरी दया से मेरी माँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उनकी बीमारी दूर हो जाए। माँ, माँ, मेरी माँ कहाँ है? अरे बेटा, तेरी माँ घर पर कहाँ है? तेरी बहन को मेरे पास छोड़कर काम पर चली गई है। दिन रात काम कर करके वो बीमार पड़ी है, ऐसे में काम पर जाने की क्या जरूरत थी? कुछ कह के गई क्या? अरे बेटा, तेरे पिता अगर जिंदा होते तो तेरी माँ को काम नहीं करना पड़ता। तुझे पढ़ाना लिखाना है, तुम दोनों को पालना पोसना है। पता नहीं बेचारे को इस तरह कब तक मेहनत करनी होगी। तेरी माँ जब तक जिंदा थी उसे पगार दिया, अब उसके मरने के बाद तू पगार लेने आया है? अरे जाके सड़क पे भीख मांग, जा, चल भाग यहाँ से। नहीं बेटा, नहीं, पत्थर छोड़ दो। क्यों अंकल? पत्थर मारने से इंसाफ नहीं मिलता। अगर तूने इस उम्र में गलत कदम उठाया तो जिंदगी भर भागता रहेगा। एक गरीब की तकलीफ एक गरीब ही समझ सकता है। मौत हुई है एक माँ की, एक मजदूर की बीवी की, वो कितनी शान से जाएगी ये तुम देखना बेटा। मेरी हंसती हुई बहन को तो ये भी नहीं पता कि माँ अब नहीं रही। इसे मुस्कुराते हुए रखना अब मेरा फर्ज है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इसमें बिना इजाजत ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर। हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? यही तो है मेरा टैलेंट। इतनी बड़ी फैक्ट्री को कौन चलाता है? मेरे पापा। इसमें कितने लोग काम करते हैं? कुल मिलाकर 10,000 लोग। अंदर जाने के लिए सब लोगों की चेकिंग होती है, तो फिर हम दोनों अंदर कैसे जाएंगे? मैं मालिक की बेटी हूँ ये बताकर अपना बड़प्पन नहीं दिखाना चाहती हूँ। भाई साहब, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। भाई साहब, आप लोगों ने मुझसे जो पैसे लिए थे वो तो वापस कर दो। पैसे
सुन बेटा, मेरी बात सुन बेटा। नहीं बेटा, तू अभी परमानेंट नहीं हुआ, तू उन लोगों से झगड़ा मत कर बेटा। नहीं चाचा, हर मजदूर अपना पसीना बहाकर दो पैसे कमाता है, उस पैसे को कोई हरामखोर नहीं खा सकता, भले ही मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन एक मजदूर का दर्द एक मजदूर ही समझ सकता है। शाबाश। चल चल यहाँ से, रुक तो सही, ट्रेलर तो अभी शुरू हुआ है, एक्शन सीन देखते हैं फिर ही यहाँ से चलेंगे। रुक जा सरा। Great! ऐसा हीरो अगर मुझे मिल जाए तो उसका हाथ पकड़कर सारी दुनिया जीत लूं मैं। वो तो तेरी फैक्ट्री में काम करने वाला एक मामूली मजदूर है, तू उसका हाथ क्यों पकड़ेगी? वैसे तू इसका हाथ बिल्कुल नहीं पकड़ सकती। मैंने आज तक कभी भी हार नहीं मानी है, फिर ये तो मेरे लिए कुछ नहीं। अच्छा अब चल यहाँ से। मजदूर भाइयों का पैसा कहाँ है? मेरे पास पैसे नहीं भाई। फिर किसके पास है? यूनियन लीडर के पास। यूनियन लीडर के पास? गरीब मजदूरों का लीडर सेठ लोगों का गुलाम है क्या? भाई मुझे छोड़ दो भाई, मैं अभी पैसे लाकर देता हूँ भाई। जाओ। क्या बात है, सर क्यों खुजा रहे हो? आपको तो पता है ना मालिक, सारे मजदूर बोनस मांग रहे हैं। हाँ तो तुम क्या चाहते हो? अगर आपकी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा मुझे मिल जाता ना सेठ जी, तो बोनस का लफड़ा खत्म कर दो। तुम जैसा ईमानदार यूनियन लीडर मुझे आज तक नहीं मिला। तुम एक काम करो, सबसे पहले ये बोनस वाला लफड़ा निपटाओ, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। सुनो भाई लोगों, बोनस की मांग मैंने शुरू कर दी है, जल्दी फैसला आ जाएगा। सेठ का चमचा यूनियन लीडर। खबरदार, चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, अगर होशियारी की तो समझ लेना। कौन है भाई, मुझसे क्या चाहते हो? तुम चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, मुझे क्या चाहिए मैं तुम्हें समय आने पर बता दूंगा, चुप रहो। बेटा ये सब क्यों किया तुमने? बोनस। बोनस या क्या मतलब? बोनस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? फैक्ट्री में काम करने वाले सारे वर्कर्स को। बोनस देने से आदतें खराब हो जाती है। डैडी, अगर आपने बोनस नहीं दिया तो यूनियन वाले हड़ताल कर देंगे और फिर आपको पछताना पड़ेगा, समझ गए? मालिक, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच रहा हूँ, मेरी जिंदगी अब कितने दिनों की बची है पता नहीं, शरीर भी अब जवाब दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद अब मेरा लड़का काम संभाले, इसीलिए आपके पास आया हूँ। प्यारे बेटे, प्यारे बेटे, यहाँ आओ बेटे, प्यारे बेटे, सेठ जी बुला रहे हैं, आओ बेटे आओ। ये है मेरा बेटा। नमस्कार। क्या बात है, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है।
मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं तो आपके जैसा होगा। सूरज जरूर तुम्हारी तरह है लेकिन सीरत बिल्कुल नहीं लगती। प्यारे बेटे, अब तक सेठ जी का सारा काम मैं देखता रहा हूँ, आज से सब कुछ इनके लिए तुम ही हो। ये जब चलेंगे तो तुम्हें इनके पैर की चप्पल बनना है, ये जब सोएं तो तुम्हें इनका चादर बनना है, ये जब खाएं तो तुम्हें इनका थाली बनना है, ये जब दांत घिसें तो तुम्हें इनका पेस्ट बनना है, ये जब कुल्ला करें तो तुम्हें इनका पानी बनना है। रात में सोते समय इनकी बीवी बनूं, ये क्या बोल गया? ये तो जरूरत से ज्यादा जबान चलाता है। चलो अंदर आओ और तुम। मैं बाहर जाता हूँ। भैया नमस्ते। तुम यहाँ क्यों आए? आपके लड़के को आपकी जगह नौकरी पर सेठ को मस्का मार के आपने रखवा दिया, उसी तरह आपकी जिस कैंटीन में मैं काम करता हूँ उसे मेरे बेटे के नाम। क्या कहा? सेठ ने जो कैंटीन मुझे दी है वो तेरे लड़के के हवाले कर दूँ? मैं सालों से इस घर का नमक खाते आया हूँ, उसी तरह मजदूर उस कैंटीन से चाय पीते हैं, वही मेरी कमाई का जरिया है और तू बोल रहा है कि तेरे लड़के के हवाले? भैया मारो मत, रुक जाओ, आपने गलत समझ लिया। जो चाय बनाने का काम मैं करते आया हूँ उस काम के लिए कहा था, आपकी कैंटीन के लिए नहीं कहा था। अरे रे रे रे, लगता है मैं ही गलत समझ गया है। चिंता मत कर, अपने बेटे से बोलकर चाय बनाने का काम तेरे लड़के को दिला दूंगा। ठीक है, अब चुपचाप यहाँ से निकल लो। तुलसी, तुलसी, तुलसी। अरे क्यों भैया, डर गए ना? बाहर तो मेरा भाई खूंखार शेर है लेकिन अपनी बहन के सामने चूहा बन जाता है। तू ऊपर से इस तरह जंप करती है, कहीं हाथ पैर में चोट आ गई तब तुझे पता चलेगा कि भाई क्या है। आपको मेरी इतनी फिक्र है भैया? मुझे इस दुनिया में ना सिर्फ दो ही लोगों से प्यार है, पहले हमारी माँ से और तुमसे। फिक्र मत करो भैया, 90 साल की उम्र तक भी मैं आपकी हिम्मत बनी रहूंगी। जरा अपना हाथ दिखाओ। तूने ज्योतिष का काम शुरू कर दिया? आपके हाथ में मैं आपका आने वाला भविष्य पढ़ सकती हूँ। बताना क्या लिखा है? भैया आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। मेरा आएगा तो तेरा भी आएगा। सिर्फ हम दोनों का ही नहीं, साथ वालों का भी आएगा। साथ वालों का भी? पापा, मम्मी, भाई, भाभी। वो लोग यहाँ कहाँ है? वो सभी लोग मेरे भैया में जो है। ये सेंटिमेंट अपने पास ही रखो, हाथ में क्या लिखा है ये बता। हाँ, इसमें लिखा है कि बहुत जल्द एक करोड़पति घर की लड़की आपकी जिंदगी में आने वाली है। करोड़पति घर की? अरे तू पागल हो गई है क्या? वैसे भी जब तक मैं अपनी बहन की डोली को विदा ना कर दूं तब तक मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकता। वेल सेड मिस्टर करण, वेरी वेल सेड। थैंक यू। वो आ रही है। कौन? घर की मालकिन। हाँ, कयामत आ गई, भागो। कयामत आ गई। अरे बाप रे, ये क्या है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मगर आते समय मैंने दोनों की आवाज़ सुनी थी। कहाँ जिन की तरह गायब हो गई ये दोनों? मुझे क्या, सारा सामान चोर उचक्के ले गए। यहाँ कुछ नहीं है, दो चार बर्तन है बस। इसका तो सिर्फ हाथ ही दिख रहा है, बाकी का हिस्सा कहाँ है? चोरों की तरह यहाँ छुपी है, पिछले 3 महीनों का भाड़ा बाकी है और हर रोज भाई बहन मुझे चकमा दे रहे हो। भैया तो बाहर गया है। तेरा भाई बाहर गया है? जब घर वापस आए तो उसे बोलना अपने पैर साथ ले जाया करे, बेचारा अपने पैर भूल गया है। सुन, चल जल्दी बाहर आ जा, निकाल। वो किराए का पैसा मैंने इसमें रखा था, वही ढूंढ रहा था। क्यों रे नालायक, झूठ बोलना नहीं आता और मुझे झूठ बोलकर पटाने की कोशिश करता है। मैं तुझे 10 दिन का समय देती हूँ, भाड़ा नहीं दिया तो घर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए मां जी, मेरी नौकरी परमानेंट हो जाने दीजिए, मैं पूरा किराया एक साथ दे दूंगा। तेरी नौकरी परमानेंट हो जाए, माता के मंदिर जाके मैं रोज मन्नत मांगा करूंगी। आप ऐसा करोगी? हाँ, माता के मंदिर में कोई सिंदूर चढ़ाता है तो उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। सही है, इसलिए तो मैं गई थी बेटा। मां जी, हम बिन माँ बाप के भाई बहन को आप एक माँ के रूप में मिली हो। हाँ हाँ बेटा, ये लो प्रसाद है, मंदिर से लाई हूँ ना, सब खा लो। मंदिर का प्रसाद सब आपने हमें दे दिया, आपका दिल तो बहुत ही बड़ा है माँ जी। ज्यादा इमोशनल मत होना भैया, माँ जी को शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, कहीं चक्कर आ गए तो हम किसके बारे में बकी जा रही है? तुझे तो मैं कहाँ भागने जा रही है? पकड़ो, पकड़ो। अरे रुक जा, अरे बुढ़िया को भगा रही है। बेटा, तुझे नौकरी पर जाने से पहले तेरे बाप की एक ख्वाहिश है, क्या वो ख्वाहिश पूरी करेगा? आपकी ख्वाहिश क्या है पापा? आपकी ख्वाहिश हमारे फायदे के लिए है या आधी हमारी और आधी किसी और के फायदे के लिए है? अरे रे, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ये हमारे खानदान की परंपरा है। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है बेटा, तू मार खाने वाला कोई भी काम कभी भी मत करना। कोई मुझे क्यों मारेगा? ये रहे मेरे पिताजी चिन्ना स्वामी,
वो अपने मालिक से हमेशा मार खाते रहते थे, उसी तरह मैं भी मेरे मालिक से हमेशा मार खाते रहता हूँ। इसी तरह तीन पीढ़ियों से ये मार खाने वाली परंपरा चलती आ रही है। हम लोग वही परंपरा निभा रहे हैं, इसीलिए तू कोई गलत काम मत करना ताकि हमारी परंपरा टूट जाए बेटा। ठीक है पापा। कम ऑन, स्टॉप हियर। कोई है? एक्सक्यूज मी, कौन है? अरे तुम किसका घर तलाश रही हो? जिसके घर की तलाश थी वो मिल गया। तुमने कैसे पता लगा लिया? एक गरीब के घर का पता लगाने में दूसरे गरीब को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि तेरा भाई मेरा हीरो है और तुम उसकी प्यारी बहन। ये लोग कौन है कैमरा लिए हुए? आमिर, शाहरुख, अमिताभ, MGR, NTR, ग्रेट। मेरे सवाल का जवाब दो, ये कैमरा वाले लोग कौन है? मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती हूँ, ये बात सारी दुनिया को पता चलनी चाहिए ना? जी हाँ, इसलिए इनको साथ लेकर आई हूँ। बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है? फैक्ट्री से आए नहीं है। ओहो, ठीक है ठीक है, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, बूस्ट, जल्दी से गरम गरम दूध में लेकर आओ। रुको, लाती हूँ। चलो जल्दी लेकर आओ। आइए बैठिए ना। अरे वाह, मेरे ही घर में मुझे ही बैठने के लिए कह रही हो? आप हो कौन? मैं एक टीवी इंटरव्यू के लिए आई हूँ। टीवी इंटरव्यू लेने? कैसा इंटरव्यू? सर, ये इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है। जो गुंडे हफ्ता वसूली करते थे उन्हें सबक सिखाने वाले हीरो का अगर मैंने इंटरव्यू ले लिया तो चैनल वाले 50 लाख में आपको साइन कर लेंगे। कैसा लगा आपको आइडिया? Never allowed enemies to reach me. I give food, clothes, money, shelter to many people. Work out my soldiers. My heart, soul, breath, etc. I pray to God to give me brain and power to my soldiers. If that happens, I am king of the world. Start camera. Rolling. एक्शन। आसमान से धरती पर जब सावन बरसा तो यह धरती स्वर्ग बनी। हमारे राज्य में भी इसी तरह स्वर्ग की खुशियां जनता को मिलनी चाहिए, तभी हम एक महान राजा कहलाएंगे। हर गरीब जब तक गरीबी के दलदल से बाहर नहीं आ जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और तभी यह देश स्वर्ग जैसा बनेगा। बस है एक तेरा हो शाहजहां बन के जी दूंगा दिल तेरा राजा मेरे दिल पे राज बस है एक तेरा।
बस देखता हूँ मैं खो गया, मैं हो गया तेरे इश्क का गुलाम। प्यार में तेरे मैं दीवानी हो गई, खो गई मैं। तू मेरा है जहाँ। सपनों में खो गई? तुम्हारे भैया नहीं आए? नहीं आए। हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारे भैया को सपने में फिल्मी हीरो के रूप में देख रही थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे भाई का हाथ पकड़कर दुनिया घूमने का सपना देख रही हो, हिम्मत है क्या? और घूमकर दिखा दिया तो क्या दोगी? इनाम में तुम्हें मंगलसूत्र दूंगी। भैया से इतना डर क्यों रही हो? मुझे डर लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। ऐसा है तो मैं डर क्यों रही हूँ? अरे तुलसी, ये सब क्या है? ये लोग चैनल से आए हैं, किसी शो के लिए तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाले हैं। इंटरव्यू? टीवी कैमरा? मेरा इंटरव्यू? बैठिए, कैमरा जल्दी करो। यहाँ पर तो बड़े बड़े लोग हैं, नामचीन बुद्धिजीवी हैं, सेठ लोग हैं, उन सबको छोड़कर आप इस मजदूर से इंटरव्यू क्यों लेना चाहते हैं? मैं भी तो एक मजदूर की तरह हूँ, गरीब लोगों से मुझे बहुत हमदर्दी है। बड़े बड़े लोग के तो बहुत इंटरव्यू लेते हैं, पर आप जैसे गरीब मजदूर का इंटरव्यू लेना मुझे बहुत पसंद है। हाँ तो बताइए ना सर, मजदूरों के प्रति आपकी क्या राय है? सुकून सुकून सुकून। क्या है कि बिना सर दर्द के जिंदगी गुजारने वाला ही एक मजदूर होता है। पैर कितना चल सकते हैं वो जानता है, आंखें कितनी दूर देख सकती है वो जानता है, मगर उसके अंदर कितनी ताकत है वो ये नहीं जानता। 100 साल परेशान होकर जीने से बेहतर है कि भले एक दिन जियो, लेकिन सुकून से जियो, हम जैसे मजदूरों की तरह। पैसे वाले चोरी करे तो सेठ कहलाता है, गरीब कुछ भी करे तो गरीब ही रहता है, हमारी तरह। करेक्ट। एक मजदूर का सबसे ज्यादा भरोसा किस पर होता है? उसके दो हाथों पर। चींटी भी अपना पेट भरने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करती रहती है, और मैं भी सारे मजदूरों को उन चींटियों के परिवार का हिस्सा समझता हूँ। भैया बहुत बढ़िया। अरे अरे, I'm sorry। चलो चलते हैं। अरे इसे क्या हुआ? हाँ, मुझे पैदा करने वाले मेरे पिताश्री, आपके हुक्म आदर्श और सिद्धांतों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस खानदान की परंपरा को तोड़ कर रख दूंगा। मुझे मारना पड़े आपके सपने को जरूर पूरा करूंगा। चुप कर! कौन है ये? ये कोई हिंदुस्तान का राष्ट्रपति है क्या? इसकी फोटो तूने यहाँ लगा रखी है? ए, जरा इसे ध्यान से देख, आंखों पर चश्मा लगाकर बिना आंखों वाले अंधे की तरह दिख रहा है। इसकी फोटो तूने इनकी बगल में लगा रखी है? ए, इनको देख, ये कौन है? इनकी फोटो के साथ तूने इस कुत्ते की फोटो लगा रखी है? अच्छा, इज्जत शोहरत ये सब तेरे बाप की जागीर है क्या? चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? उसे तो ठीक से चूल्हा जलाने भी नहीं आता, उल्टा फूंक मार मार कर जलती हुई आग को बुझा देता है वो। ए, मेरे बेटे को क्यों मार रहा है? अगर मेरे बेटे को दोबारा छुआ तो खाल उधेड़ दूंगा। नहीं चाचा। अरे क्या नहीं चाचा, मही चाचा? हाँ, मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो तेरे हाथ को तोड़ डालूंगा, ध्यान रखना। क्यों मेरे लड़के पे बरस रहा है तू? मैंने बड़ी मेहनत से ये कैंटीन बनाई है, हर साल यहाँ का कितना भाड़ा भरता हूँ तुझे कुछ पता है? मेरे बाप ने भी यहाँ की तस्वीर को नहीं बदला, और तेरे बेटे की इतनी हिम्मत हो गई है? उसे सिर्फ थप्पड़ों से नहीं, उसे लात घूंसों से मारना होगा, यही उसकी सजा होगी। ए बेटे, मार उसे, मैं इसे धोता हूँ, ध्यान रखना। तेरी तो समझा, तेरी तो, तेरी इतनी हिम्मत, तुम दोनों बेटे की इतनी हिम्मत हो गई, तस्वीर बनिएगा वो, हैं? छोड़ दे, छोड़ दे, आजा। क्या किया तूने बेटा? तूने तो मेरी नाक ही कटा दी। हे भगवान, मुझे माफ करना है भगवान। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा बे। नमस्कार, हमारे राज्य में 100 में से 75% जनता मजदूर ही है, उसमें कई तरह के मजदूरों का समावेश है। आज हम इस प्रोग्राम के जरिए इन मजदूरों के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। हर समय मजदूरों के बारे में ही सोचने वाली एक हस्ती, मजदूर को इस देश का आधार मानने वाली, और हम हैं तो आप हैं ऐसा सोचने वाली एक हस्ती से मैं आपको मिलाने जा रही हूँ। नमस्ते। मजदूरों के बारे में आपकी क्या राय है? सुकून सुकून सुकून।
बिना सिरदर्द के जिंदगी गुजारने वाला ही एक मजदूर होता है। अरे ये तो मेरा डायलॉग है। पैर कितना चल सकता है वो जानता है, आंखें कितनी दूर देख सकती है वो जानता है, मगर उसके अंदर कितनी ताकत है ये वो नहीं जानता। ये सब तूने कहा था? मजदूर मेहनत से कमाए तो भैया ये तो बिल्कुल आप ही की बातें बोल रही है। दिल तोड़ दिया। क्यों होता है हमारे समाज में? रुक रुक सुनने दे। एक मजदूर का सबसे ज्यादा भरोसा होता है अपने दोनों हाथों पर। बेटा तू इस लड़की को छोड़ना मत, बदला लेना। नहीं छोड़ूंगा, ये दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहा है? टीवी बंद करो। अच्छा टीवी बंद करने को क्या है? कर रही हूँ। परिवार का हिस्सा ही समझती ये क्या? मेरे भाई से इंटरव्यू लेके उसी की बातों को टीवी पर तुमने बोल दिया। तुम्हारे जैसी फ्रॉड मैंने आज तक नहीं देखी। आहा, 100 मजदूरों का इंटरव्यू लेने पर भी मुझे वो नहीं मिलता जो अकेले तुम्हारे भाई से मिला है। अब मेरा दूसरा कदम है तुम्हारे भाई से शादी करके उसका हाथ थामकर। ये सपने देखना छोड़ दो। मेरे भाई का हाथ पकड़ के तुम इस रोड को भी क्रॉस नहीं कर सकती। दुनिया का चक्कर लगाना तो दूर की बात है, और तुम्हारे भाई का हाथ पकड़ कर रोड क्रॉस कर लिया तो? मैंने कहा था ना इनाम में तुझे मंगलसूत्र दूंगी। अरे बाप रे, भैया हो गए। ए, अपनी बात याद रखना, अब मेरा खेल देख जा। ए फ्रॉड, तू यहाँ पर है? टीवी पर मैंने तुझे देखा, जो मैंने कहा था तूने वो सब कुछ कह दिया। तेरी तो लड़की हो इसलिए, नहीं तो मुंह तोड़ देता। और ये क्या हुलिया बना रखा है, ये ड्रेस, ये चश्मा, एकदम अंधी लग रही हो तुम। सर हाँ? उसे माफ कर दीजिए सर, मेरी जुड़वा बहन बिल्कुल मेरी ही तरह है। जुड़वा बहन? जी हाँ सर, हम दोनों सगी जुड़वा बहने हैं सर। दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन मैंने आज तक उसकी सूरत नहीं देखी। बाप रे, देख भी नहीं सकती। क्यों? भले ही ऊपर वाले ने हम दोनों को एक जैसा बनाया है, न जाने क्यों उसने मुझे ही क्यों अंधा बना दिया। लेकिन उसे सारे संसार को देखने की खुशियाँ दी हैं। मुझे माफ कर दो, अनजाने में बहुत कुछ कह गया, चलता हूँ। सर सर सर, जाइए मत सर, रुकिए ना। क्या हुआ? बहुत देर से रोड क्रॉस करने के लिए मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रही थी। सर प्लीज सर, मेहरबानी करके मुझे रोड क्रॉस करा दीजिए, प्लीज सर। अच्छा ठीक है। अरे बाप रे, मैं तो हार गई। अरे संभल कर, आ जाओ, संभल कर, अब जाओ भाई, संभल कर। सर आपके हाथ तो पत्थर की तरह कड़क है। वो सर तो है। आपके हाथों में तो बहुत ताकत है। थैंक्स अ लॉट सर। अरे संभल कर भैया। अरे भैया, अरे तू यहाँ कैसे? उसे रोड क्रॉस करवा दिया। वो टीवी इंटरव्यू वाली फ्रॉड है ना, ये उसकी बहन है, बेचारी अंधी है। भैया वो अंधी नहीं है, बहुत बड़ी फ्रॉड है। उसने मुझसे शर्त लगाई थी कि तुम उसे रोड क्रॉस करवा दोगे। अब मैं हार गई भैया। कैसी शर्त? यही कि उसकी शादी का मंगलसूत्र मैं उसे दूंगी। क्या? ढूंढो मत भैया, चिड़िया तोड़ गई। सारे मजदूर बाहर छाता पकड़े हुए बारिश में भीगते हुए पोनिस का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे पास छतरी नहीं है? है ना सर, मजदूरों के लिए काली छतरी और मेरे लिए सफेद छतरी। मैं भी थोड़ा मूड बना लूं सर। ये लो, मेरे गिलास से पियो, पी जाओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 4% बोनस नहीं चलेगा, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। मेरे प्यारे मजदूर भाइयों, हमें चाहिए पूरे 8%, वरना नहीं मानेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैनेजर जी सर, आवाज सुन रहे हो? सुन रहा हूँ सर। नेता को बुलाओ। भाई साहब, यहाँ बोनस के लिए हड़ताल हो रही है, इसलिए कैंटीन में कोई चाय पीने नहीं आया। आपके लिए चाय लाया हूँ, क्योंकि आप बिंदास बैठे हैं, आपको चिंता नहीं है क्या? चाय दो। आ रहा है सर। ए, तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है बड़े भैया, आप जाकर रहिए बड़े भैया। सिट जी, और एक पैक पियो। खाओ खाओ ये चिकन। बाहर जाकर चिल्लाओगे 5%। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमें मंजूर नहीं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सेठ 5% देने की बात कर रहे हैं, नहीं चलेगा, हम हड़ताल जारी रखेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बहुत ही समझदार है, एक दिन बहुत ऊपर जाएगा ये। बुलाओ उसे। जी साहब।
फैसला सुनाना है तब तक एक पैग और बना दूं। ये क्या कर रहा है? कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। ये लो। खेल खत्म कर दूं क्या? हाँ। जीत गए हम लोग, जीत गए। सेठ जी के आगे हम मजदूरों की जीत हुई है। सेठ जी ने हमें 6% देने के लिए हाँ बोल दिया है। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। अच्छा हुआ लफड़ा निपट गया, अब मेरी कैंटीन में धंधा होगा। मेरे भाइयों, मेरी ताकतों, मेरे संगठन के सभी सिपाहियों, तुम्हारी एकता के आगे सेठ जी ने झुककर हम सभी को बोनस के रूप में 6% हमारी तनख्वाह बढ़ा दी है, इसलिए दिवाली से पहले आप सभी को बोनस मिल जाएगा। आप सभी लोग जान से अपने अपने कामों में जुट जाइए, जाइए काम पर लग जाइए। रुक जाओ, 6% बोनस यहाँ हम में से किसी को भी मंजूर नहीं। मजदूर की मांगों का फैसला करने वाला तू कौन है? सेठ जी के आगे पीछे घूमने वाला तू क्या जाने? एक मजदूर की तकलीफ क्या देना है ये सेठ जी आकर बताएंगे, तू क्यों बता रहा है? हमें 6% तो मिल रहा है ना, सेठ नहीं हूँ, मजदूरों का नेता हूँ। आज महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में 6% बोनस का क्या मतलब हुआ? ए, जितना मैं दिला रहा हूँ उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तू क्यों टांग अड़ा रहा है? अड़ाऊंगा, 8% नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। 6% से ज्यादा दे ही नहीं सकता। दे नहीं सकता? तू मालिक है क्या? हम 8 मांगते हैं, वो 4 पर आते हैं, फिर 5 पर आते हैं, और तू आके 6 डिक्लेयर कर देता है। अरे कब तक तू चमचागिरी करेगा और हम मजदूरों का पैसा अंदर करता रहेगा? सुनो तुम लोग, आज तुम लोगों को फैसला करना है। तुम्हारे पेट पर लात मारकर अपनी तिजोरी भरने वाला तुम्हें ये सेठ का चमचा चाहिए या इंसाफ दिलाने वाला चाहिए? अरे आधा बोनस तो यही खा जाता है। मुझे तू सेठ का चमचा कह रहा है, तू मेरे बारे में जानता क्या है? बहुत कुछ जानता हूँ मैं, 1,000-2,000 तेरी पगार है, करोड़ों की जायदाद बना के रखी है, तू यहाँ पर नौकरी क्यों कर रहा है? मजदूरों की कमाई को लूट कर तूने अपना शीश बल खड़ा किया है, ये बेचारे राशन कार्ड से चावल खरीद कर अपना परिवार पालते हैं। अरे तू कैसा नेता है तू? तू तो ऐसे बोल रहा था जैसे बोनस तू दे रहा हो, वो सेठ लोग नहीं। अगर अब भी तुम लोग इसे लीडर मानते हो तो ना तो तुम्हारी पगार बचेगी ना बोनस। हमारा नेता, हमारा नेता, हमारा नेता, हमारा नेता, हमारा नेता, हमारा नेता, मुझे नहीं बनना है लीडर वीडर, मेरी बात सुनो, मैं नहीं बनूंगा। कल जो मेरा था आज वो तेरा है, कल किसी और का होगा, ये पद किसी के बाप की जागीर नहीं है। तूने एक नाक को छेड़ा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। साहब हमारे सभी पासे उल्टे पड़ गए। क्या हुआ? मजदूरों ने नेता बदल दिया। बदल दिया तो क्या हुआ, आज के दिन वो कल कोई और होगा। नए यूनियन लीडर के लिए नया गिलास लेके आओ। अरे बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया। अरे कोई जल्दी आरती की थाली लेकर आओ। अरे जल्दी लाओ, मेरा बच्चा बिल्कुल राजा की तरह दिख रहा है। आरती उतारो जल्दी, किसी की बुरी नजर ना लग जाए। अरे जल्दी हार पहनाओ। गले में मत पहनाना, चलो हाथ पे दे दो। इतने नखरे मत दिखाओ मुझे, एक दिन तो होनी ही है, उस समय हार सहरा फूल सब कुछ तो होगा, तब क्या करोगे? Hey, क्या चल रहा है तेरे मन में? ये क्या कह रहे हो, मेरे मन की बात नहीं जानते? हाँ? तुम 10,000 मजदूरों की यूनियन के लीडर हो और मैं उनकी घर वालियों की लीडर हूँ। एक लीडर की एक लीडर से जोड़ी खूब जमेगी। अगर तुमने इस लीडर को नहीं अपनाया तो तुम्हारा बुरा समय शुरू। सोच लो, बोले दो। तूने अपने आप को टीवी में शो किया, अपना प्रचार किया, मेरे भैया तो बिना जंग लड़े ही जीत चुके हैं, उनसे क्या मुकाबला? हाँ, ये हुई ना बात। बेटा तू परमानेंट हो गया ना? अच्छा हुआ, अगर तू मेरा भाड़ा नहीं भी देगा तो भी चलेगा, तेरी नौकरी पक्की हो गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। घर की मालकिन होते हुए भी इनसे कितनी हमदर्दी है। ये हमदर्दी नहीं अपनापन है, भाड़ा टाइम पे मिलेगा ये इनकी पॉलिसी है। जन्म दिया हो बेटा, जब कमाने लगता है तो पैसे माँ को देता है। तुझे अपनी पगार मुझे देने की जरूरत नहीं है, तू भाड़ा देगा तो भी चलेगा। पगार तुम्हारे हाथ में क्यों देंगे, मैं हूँ ना। चलो भैया अंदर चले। लेकिन ये तू, आपसे मैं बाद में मिलता हूँ। ये क्या कह रहा है? अरे बाप रे, ये यहाँ क्यों आ गया? शादी की बात तुम लाख छुपा लो, पर कल को तो सबको पता चल ही जाएगा। मुबारक हो, ये लो। क्या ये? तुम्हारी जीत की खुशी में हमारे सेठ जी की ओर से एक तोहफा है। जीत की खुशी में सेठ जी ने फेस्टर होटल में पार्टी रखी है, उस पार्टी में आने के लिए तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से ड्रेस सिलवा कर तुम्हें दी है। क्या सोच रहे हो,
जब भी कोई नया यूनियन लीडर आता है तो सेठ जी उसे इसी तरह से नवाजते हैं। ओह, और सिर्फ हमारे सेठ जी ही नहीं, कई कंपनियों के सेठ भी लीडर के साथ ऐसा ही करते हैं। अच्छा, तो फिर कल मैं जरूर आऊंगा। जो मैं आज तक नहीं जानता था वो कल जानूंगा। वेलकम 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 वेलकम, आओ आओ। इनसे मिलिए, यह नई यूनियन लीडर मिस्टर करण। नमस्ते। यह शंभु इंडस्ट्रीज। नमस्ते। नमस्ते। यह जयवीर एडवोकेट। नमस्ते। और यह श्रीनाथ मेटल इंडस्ट्रीज। नमस्ते। करण, तुम्हारे यूनियन लीडर बनने की खुशी में एक प्रेजेंट। कम हियर, फास्ट 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 फास्ट। कार। कार। ये कार मेरे लिए है। यूनियन लीडर की पोस्ट छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। आज तुम्हारे नीचे 10,000 आदमी काम कर रहे हैं, कल तुम 5 फैक्ट्री के लीडर बनोगे तो 50,000 लोग तुम्हारे नीचे होंगे। तुम जिस पर इशारा करोगे वो उसे वोट देकर मंत्री बना सकते हैं। तुम्हारे जैसे यूनियन लीडर बहुत काम के होते हैं। कार क्या है? सिंपल, बंगला भी मिल सकता है। मैं इससे एक चक्कर लगा कर आऊं क्या? एक क्या, 10 राउंड लगा के आओ। जिस चीज की उम्मीद नहीं होती वो मिल जाए तो ऐसा ही होता है। गाड़ी चलाना नहीं आता फिर भी चलाई, ठोक दी रोक दी। तो मजाक कर रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो? यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सबके सब करोड़पति या अरबपति हैं, समझे? इस दुनिया में कोई भी दौलतमंद नहीं है। तुम जैसे लोग गरीबों का खून चूस कर दौलतमंद बनते हो। जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी दौलत तुम्हारी है, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद की। जो प्यार की दौलत कमाता है वही असली दौलतमंद होता है। तुम्हें दौलत मिली है हम जैसों के नसीब से। ऊपर वाले ने हम लोगों को मजदूर बनाया है तुम लोगों के नसीब से। इसीलिए इस संसार में हर कोई एक मजदूर है। हुकूमत करने वाला एक राजा ही क्यों ना हो, मरने के बाद वो कुछ भी नहीं ले जाता। बादशाह भी वही जाता है, तुम भी वही जाओगे, और एक दिन मुझे भी वही जाना है। और हाँ, तुम्हारे दिए हुए तोहफे मुझे खरीद नहीं सकते। तुम्हारे ये कपड़े तुम्हें मुबारक, और मेरी मेहनत के कपड़े मुझे मुबारक। हमारा नेता, हमारा नेता, हमारा नेता, हमारा नेता। तुम लोग फिक्र मत करो, तुम लोगों के हक का सही बोनस दिलाना मेरा फर्ज है। मुझे आशीर्वाद दो चाचा। बेटा कामयाब होकर लौटना, ठीक है? हिम्मत मत हारना। आइए यूनियन लीडर, तुमने सबके सामने मुझे जो इज्जत दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले वाला यूनियन लीडर जब 8% मांग रहा था तो मैंने उसे 6% पर राजी कर लिया था। मजदूरों को 8% पूरा मिलना चाहिए, इस बात पे तेरे अड़ने से उन्होंने तुझे अपना नया यूनियन लीडर बना दिया, और तुम पलक झपकते ही यूनियन के लीडर बन गए। तो ठीक है, मैं 8% देने को तैयार हूँ, ले लो। माफ करना सेठ जी, आपका दिया हुआ 8% बोनस हमें नहीं चाहिए। इस साल से हमें 24% बोनस चाहिए। 24% बोनस? 24 तक की गिनती भी आती है तुम्हें? तुम्हें पता है 5 और 5 10 होते हैं, गुणा करे तो 25 होते हैं, और घटाएं तो बस बचता है सिर्फ 0। यह हिसाब आता है तुम्हें? मुंह फाड़ने से जैसा तुम बोनस मांगोगे कैसे देंगे? यहाँ को नोट छापने की मशीन है। हिसाब किताब नहीं जानने वाला यूनियन लीडर, इडियट। हिसाब
मुझे। रोजाना आपकी फैक्ट्री में 20 टन कापूस आता है और रोज 1,80,000 मीटर कपड़ा बाहर जाता है। 1,48,00,000 रुपए की इनकम हर महीने में होती है। इसमें से 13,00,000 रुपया मटेरियल का, 7,900 वर्करों की तनख्वाह ओवरटाइम मिलाकर होती है 71,00,000 रुपया। बैंक लोन, ऑफिस मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब मिलाकर पकड़ो 12,00,000। गाड़ी मेंटेनेंस, पेट्रोल वगैरह वगैरह मिलाकर 2,00,000 रुपया। इसके बाद भी तुम्हारे पास बचता है 50,00,000, यानी साल का 6,00,00,000 रुपए। इस 6,00,00,000 में से 1,80,00,000 रुपया मैं बोनस में मांग रहा हूँ। मजदूरों की जो पगार है उसका मैं सिर्फ 24% मांग रहा हूँ। साल में 6,00,00,000 रुपए कमाने वाला सेठ ये नहीं सोचता है कि हर एक मजदूर अपना खून पसीना बहाकर उसकी तिजोरी भरता है, और अगर वो मजदूर साल में एक बार अपनी पगार का 24% बोनस में मांगता है तो आखिर वो क्या बुराई करता है, बताओ? सेठ जी, सेठ जी, ये क्या कर रहे हो? बताता हूँ तुझे मैं क्या चीज हूँ, तू देखता जाओ क्या होता है। अरे ये आप क्या कर रहे हो? सेठ जी, क्या है? समझता है? आइए देखिए, पकड़ो के। इसने मेरे ऑफिस का क्या हाल किया है? सर, बोनस को लेके इसने मेरी जान लेने की कोशिश की, और देखिए इसने क्या किया। ये तो क्या कह रहे हो? चुप हो जाइए इसे। सर, मेरी बात सुनिए। एक मिनट या खड़ा मत रहिए इसे। इन्होंने खून खोला है। होशियार समझता है? सर, मजदूरों को फटकाता है। मेरी बात सुनिए सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया है। तेरी तब। हमारे प्यारे भाइयों, बोनस को लेकर हमारे नेता और सेठ के बीच में कुछ कहासुनी हो गई। इसके लिए सेठ ने उन पर झूठा आरोप लगाकर पुलिस को बुलाकर उन्हें अरेस्ट करवा दिया। इसीलिए अब हमारा भी फर्ज बनता है कि किसी भी कीमत पर हम अपने नेता को पुलिस स्टेशन से छुड़ा कर लाएं। चलो हम लोग सब मिलकर अपने नेता को छुड़ा कर लाएंगे। मजदूर एकता, सेठ की मनमानी नहीं चलेगी। सेठ की मनमानी नहीं चलेगी। मजदूर एकता, मजदूर एकता, सेठ की मनमानी नहीं चलेगी। सेठ की मनमानी, सेठ की मनमानी नहीं चलेगी। 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 सुनो लोकनाथ, एक साधारण इंसान पर झुर्म ढाना अच्छी बात नहीं है। क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो बोनस की बात करने आया था और मेरे ऑफिस में आके उसने सामान की तोड़ फोड़ शुरू कर दी। ऐसे इंसान को जेल में भिजवा कर क्या मैं उसकी आरती उतारूं? आरती उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमने उसे नहीं निकाला तो तुम्हारी आरती जरूर उतरेगी। तुम्हारे उसके अंदर करवाने से शहर की 6 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में वर्कर ने स्ट्राइक कर दी है। तुमने अगर उसे बाहर नहीं निकलवाया तो शहर की 6 बड़ी फैक्ट्रीज का लीडर वही बन जाएगा, समझे? ठीक है ठीक है, मैं फोन करके अभी उसे छोड़ने को कहता हूँ। मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। इसे मैंने रिहा इसलिए नहीं करवाया कि इसकी मांग के अनुसार तुम लोगों को बोनस दूं। ये रातों रात शहर का हीरो ना बन जाए इसीलिए। मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं, जब तक हमारी मांग के अनुसार बोनस नहीं मिलेगा परेशान रहेंगे आप। तो जाओ, जाकर बाहर मोर्चा निकालो और फैक्ट्री में ताला लगा दो। बाहर मंडप लगाकर भूख हड़ताल पर बैठो। मेरे खिलाफ अनाप शनाप लिखकर शहर की दीवार पर पोस्टर लगाओ। तुम लोग चाहे जितने भी कोशिश कर लो, मांगे पूरी बिल्कुल नहीं होंगी। माफ करना सेठ, जंग चलती रहेगी, लेकिन मोर्चा निकालकर या भूख हड़ताल पर बैठ के नहीं। हर मजदूर मन लगाकर काम करेगा, यह फैक्ट्री भी चलेगी, लेकिन माल बाहर नहीं जाएगा। हम अपना काम करते रहेंगे, माल हमारा बोनस मिलने के बाद ही बाहर जाएगा। कापूस से धागा तो बनेगा मगर कपड़ा नहीं बनेगा। अगर कपड़ा बन भी गया तो उस पर कांजी और कलर नहीं चढ़ाया जाएगा। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आपका माल भी हम नहीं बनने देंगे। हमारे हाथ में पैसा आने के बाद ही तुम्हारा पैसा तुम्हारे हाथ में आएगा। कौन है ये जो नए तरीके से स्ट्राइक कर रहा है? मजदूरों से काम रोकने को भी नहीं कह रहा। मेरा प्रॉफिट तो इनकम टैक्स वाले भी नहीं जानते हैं, तो इसे कैसे पता? ये अंदर के राज कैसे जानता है? साहब, वो कंपनी में टेम्पररी लेबर था। यूनियन लीडर बनने के बाद वो परमानेंट हुआ। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। उसकी बस एक ही कमजोरी है, उसकी बहन। बहन है? ऐसा सेंटिमेंटल होते हुए वो ऐसा काम क्यों कर रहा है? बहनों के लिए भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुराने लीडर काली को बुलाकर उसकी बहन का काम तमाम करने को कह दो
और नए यूनियन लीडर को हम निपटा देंगे। मालिक, इस समय ऐसा काम करवाएंगे तो सबको पता चल जाएगा आपने करवाया है। अबे अकल के अंधे, कल मैं उसकी मांग के अनुसार 24% बोनस अनाउंस करने जा रहा हूँ। उसी समय भाई और बहन का काम तमाम भी हो जाएगा। भगवान स्वयं भी आकर अगर कहेगा कि मैंने उन्हें मरवाया तो भी दुनिया का कोई कानून नहीं मानेगा। पुराने यूनियन लीडर ने ऐसा किया है, ये साबित होना चाहिए। बात समझ आई? मेरे प्यारे मजदूर भाइयों, एक खुशखबरी है। तुम लोगों की मांग के अनुसार मैं तुम्हें 24% बोनस देता हूं। छोटी मालकिन, हमारी फैक्ट्री में काम करने वालों को 24% बोनस देने के लिए मालिक राजी हो गए। I'm not the one who's running out of time.
ए, करण साइकिल से नहीं आ रहा, वो सीधा बस से आ रहा है, उसे वहीं खत्म करो, जल्दी जाओ। मालिक,
मालिक मेरी बच्ची कैसी है मालिक? डॉक्टर हॉस्पिटल में शोर मत मचाओ। कौन है ये? मैं खुद नहीं जानता वो कौन है डॉक्टर। अचानक मेरी गाड़ी के सामने गिर गई थी, इसलिए मैंने उसे एडमिट किया। और आप? वो मेरी किरायेदार है, वो मेरी बेटी की तरह है, मेरी बच्ची को देखो, मेरा बच्चा आ गया। डॉक्टर मेरी बहन कैसी है? सर पर बहुत गहरी चोट आई है, उसके सर से बहुत खून बह चुका है। हमारे यहाँ स्टॉक में सिर्फ 2 ही बोतल खून बचा है, वो काफी नहीं है। ऑपरेशन के समय 10 बोतल ओ नेगेटिव खून की जरूरत पड़ेगी, जल्दी से इंतजाम करो। डॉक्टर मैं एक मामूली मजदूर हूँ, मैं इतने खून का इंतजाम कहाँ से कर पाऊंगा? हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं, तुम भी ट्राई करो, ऑपरेशन करना जरूरी है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल है, हमारे यहाँ स्टॉक में नहीं है, आप किसी और जगह कोशिश कीजिए। देखो इस तरह भटकने का कोई फायदा नहीं, टीवी में अनाउंस करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। साहब मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है। दिया हुआ काम तो देख तूने पूरा किया नहीं तो बाहर आके क्या कर लेगा? मेरी जमानत तो कीजिए। देख तूने बाहर बहुत राज किया है, कुछ दिन अंदर की हवा भी खा ले। हा? अपनी औकात दिखाई दी आखिर। बेटा तुलसी होश में आ गई। डॉक्टर खून तो जरूरत से ज्यादा मिल गया। कहां से? खुद ही जाकर देख लो। तुलसी भैया, तुम्हारे साथ काम करने वाले मजदूर ना होते तो मैं जिंदा ना होती। हमारी माँ की अंतिम यात्रा में मजदूर ही शामिल हुए थे और तुम्हारी जान भी मजदूरों ने ही बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। करण हमारे साथ न जाने कितने मजदूर लोग आए थे, अच्छा रहा कि ये मजदूर तुम्हारी बहन के कुछ काम तो आए। दोस्तों मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुम लोगों ने मेरी बहन की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज मेरे लिए तुम लोग मेरे अपनों से बढ़कर हो, मैं तुम लोगों का धन्यवाद कैसे करूं? करण भाई, तुम करण भाई चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। हाय डैड। हाय माय सन, हाउ आर यू? फाइन डैड। सुनो मैनेजर, मेरा लड़का है तो इसकी अच्छी खातिरदारी का इंतजाम करो। अरे खून का दाग ये कैसे लगा? वही तो मैं इसे समझा रहा था डैड, जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो मैंने देखा कि एक गाड़ी वाले ने एक लड़की को उड़ा दिया, शायद जानबूझकर। वो मेरी गाड़ी के पास आकर गिरी, हॉस्पिटल में ले जाकर मैंने उसे भर्ती करा दिया। हमारे शहर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, देखकर बहुत दुख हुआ डैड। बेटा हर कदम कदम पे हादसे होते रहते हैं, उन्हें देखकर अनदेखा करके निकल जाने में भलाई होती है। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? इट वॉज ग्रेट डैड। बिजनेस मैनेजमेंट सीखने के लिए एक फैक्ट्री में 3 महीने की ट्रेनिंग है, उसमें मुझे फर्स्ट क्लास पास होकर निकलना है। उसके बाद आप भी देखिएगा डैड, मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन आपको बन के दिखाऊंगा। बॉम्बे में तुम्हारे लिए फैक्ट्री देखी है मैंने। Wow, it's great. उसे जल्द से जल्द खरीद लेंगे हम। Thank you, Dad. जाओ आराम करो। Sure. Master, एक चाय देना। ये मास्टर कौन है? मैं हूँ। तू कैसे मास्टर हो गया? चाय बना रहा हूँ ना। तू क्या किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाला मास्टर है, या फिर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है, या फिर तू कोई डांस मास्टर है? बता, तू बिना भेजा लिए दुनिया में आया है क्यों? फिल्मों में डांस मास्टर होते हैं, फाइट मास्टर होते हैं, सर्कस में रिंग मास्टर होते हैं। रिंग मास्टर के कहते ही शेर अपना हाथ उठाकर स्टूल पे रखता है, दोबारा इशारा करते ही दूसरा हाथ उठाकर ऐसे रखता है। अगर मास्टर सही नहीं है तो शेर अपना हाथ ऐसे स्टूल पे नहीं रखेगा, पंजे मारेगा। देखो भाई मैंने नहीं मारा, शेर ने मारा है। वो क्या है, शेर लोग की जात होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। कौन सी जात? कान इधर लाओ। हाँ, इसका मतलब मेरी जात वालों को खून नहीं निकलता, नहीं निकलता। इधर आ। मर गया, खून निकल रहा है। मेरी जात वाला मारेगा तो खून ही निकलेगा ना। ऐसा है क्या?
मैं पटेल राज हूँ, निकला। मैं मुसलमान हूँ, खून आते नहीं देखा पर अब निकल रहा है। मैं नायर हूँ, खून निकलता है कि नहीं देख रहा था, निकल रहा है। सभी ने देख लिया, खून तो निकल रहा है भाई। सभी लोगों ने देखा कि खून निकलता या नहीं निकलता, मैं हूँ मराठा। खून निकल रहा है, मान गया भाई, कोई भी जात वाला हमारे खून आता ही है। तुम निकलो यहाँ से, जाओ 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 जाओ, अपना काम करो जाओ। छोटे तू जरा कोने में चल, तेरे से बात करनी है। क्या बात है? क्यों बे, तूने मुझे शेर की जात कहकर दुनिया के सभी जात वालों से मार खिला खिला कर मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले मोटे, ये ले, तुझे मैं अपनी जात बताता हूँ, ये ले, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये ले, अब निकला खून, अब दिखाता हूँ कैसी जात है मेरी। सॉरी डॉक्टर, अगर मैं इन्हें नहीं पकड़ता तो ये गिर जाती। जिंदगी भर हर मुसीबत से तुम इसे बचाते रहो, यही मेरी शुभकामना है। क्या हुआ इसे? पता नहीं। तू कह रहा है ना यूनियन लीडर है ना, देखना थोड़े दिनों में तू भी सेठ का चमचा बन जाएगा। जा सेठ जी के जूते साफ कर। चुप रहो, सुबह सुबह पी कर आए हो? अरे मैंने नहीं पिए, मैं तो नहा के आया हूँ। शांत रहो, ड्यूटी पर पी कर आए हो तुम, सेठ जी क्या समझेंगे? तुम्हें पीने का इतना ही शौक है तो ड्यूटी खत्म होने के बाद बाहर जाकर पियो। ड्यूटी पर पी के आने से सिर्फ तुम्हारा ही नहीं यहाँ पर लाखों का नुकसान होगा, फिर हमारी क्या इज्जत रहेगी? जब सेठ हर मजदूर की मांग पूरी करता है तो उसके एक रुपए का नुकसान भी हमें नहीं करना चाहिए। सेठ जी से कहकर इसे एक महीने के लिए बाहर निकालना होगा, क्या कहते हो? करेक्ट। करण भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेठ जी से बोलकर अगर आप इसे सस्पेंड करा देंगे तो उनका हमारे पर विश्वास भी बढ़ेगा और मजदूरों को एक डर भी रहेगा। निकालो इसे यहाँ से। तू लीडर बन के मुझे नौकरी से निकाल रहा है ना, एक दिन जब मैं लीडर बनूंगा तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। चल जा। चल रहे, अरे निकल। देखना मैं वापस आऊंगा, देखना, देखता हूँ कौन क्या कर लेता है मेरा। बहुत अच्छा इंसान है लेकिन खतरनाक है। मालिक वो बहुत अच्छा है इसीलिए खुद के लिए भी खतरा है। लीडर, लीडर, यूनियन लीडर, मिस्टर यूनियन लीडर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी बहन घर पर नहीं है, जानती हूँ, इसीलिए आई हूँ। क्या कहा? क्या कर रही हो? अरे बाबा मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम्हारी बहन के बारे में एक खुशखबरी है, वही बताने आई। क्या हुआ उसको? हाँ तो बताती हूँ। एक लड़के को हजारों लड़कियों में से एक ही लड़की पसंद आती है, उस पसंद को क्या नाम देते हैं जानती है? क्या? प्यार। प्यार का मन से क्या रिश्ता है? एक इंसान उम्र भर कुंवारा रह सकता है लेकिन अगर उसे किसी से प्यार हो जाए तो उसके बिना एक पल नहीं रह सकता। इसलिए कुछ लोग प्यार करने के बाद शादी करते हैं। शादी से पहले इंसान प्यार करता है और शादी के बाद वो उससे प्यार पाता है, उसके बाद तो सारा संसार उसे प्यारा लगने लगता है। तुमने अपनी बहन को अच्छे संस्कार दिए, उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी परवरिश की, पर प्यार करना नहीं सिखाया। किसी से प्यार करने के लिए सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, प्यार करना सिखाने के लिए कोई क्लासेस नहीं होती। तुम घर के बड़े हो, सब जानते होगे, ऐसा सोचती थी लेकिन तुम्हारी छोटी बहन इस मामले में देखो कितनी आगे निकल गई। पहले ये बताओ कि हम लोग शादी कब करेंगे? भैया से पूछने के बाद। और मना कर दिया तो नहीं करेंगे? ये मुझे मंजूर नहीं राजा। कितनी भी सुंदर लड़की मुझसे शादी करना चाहे लेकिन मैं उसे मना कर दूंगा। मैं प्यार करके शादी करना चाहता हूँ और मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुम हो। अब मुझे दौलत से ज्यादा तुम प्यारी हो। भैया मेरी बहन मेरी गोद में खेलते खेलते ना जाने कब बड़ी हो गई, जो मेरा फर्ज था वो तूने खुद ही पूरा कर लिया। हाँ बहन, अपना जीवन साथी चुनकर। सर नहीं, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है,
मेरी बहन अगर तुम्हारी जीवन संगनी बनी तो मैं उसे खुशनसीब समझूंगा। भैया, तुम जिसके तरफ भी इशारा करती मैं उसे किसी भी तरह मना लेता। तुम इनसे प्यार करती हो, समझ नहीं पा रहा इन्हें कैसे मनाऊं। जिस तरह आपने अपनी बहन की परवरिश की है उसी तरह मेरे पापा ने मेरी परवरिश की है। हम दोनों का सपना जरूर पूरा होगा। तुम्हारे पिताजी कौन है? अर्जुन कॉटन फैक्ट्री के मालिक मिस्टर लोकनाथ। माफ करना सर, एक मजदूर की लड़की को शायद वो अपना भी लें, लेकिन इस यूनियन लीडर की बहन को वो कभी नहीं अपनाएंगे। चलो आओ बहना। तुलसी, मुझे माफ कर दो बहन। आप क्यों माफी मांग रही हैं मुझसे? मैंने आज तक आपसे हर चीज पूछ के की, बस प्यार बिना पूछे कर लिया। माफी मुझे मांगनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, उसके जैसा ही एक लड़का मैं तुम्हारे लिए तलाश करके लाऊंगा। भले वो कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो, किसी का भी बेटा क्यों ना हो, उसके हाथ पर जोड़कर उसे मनाऊंगा और उसकी शादी तुमसे ही कराऊंगा। ये तुम्हारे भाई का वादा है। आप शादी से पहले उसे मेरे बारे में क्या बताएंगे? मेरी बहन पढ़ी लिखी है, बहुत ही समझदार है, अच्छे संस्कार वाली है। मेरी बहन सभी लोगों की इज्जत करने वाली है, गरीबी में भी जीना जानती है, उसे कोई लालच नहीं, सभी की इज्जत को अपनी इज्जत मानती है, ऐसी है मेरी बहन। आप लड़के को तो मेरे बारे में सब बता दोगे, पर मैं किसी से प्यार करती हूँ ये बता पाओगे भैया? तुलसी, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये आप ही ने सिखाया है ना मुझे? और इस बात को छुपाकर आप मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हो तो मुझे मंजूर है। मुझसे जाने अनजाने में एक छोटी सी भूल हो गई कि मैंने दौलतमंद से प्यार किया, पर आपको वो इंसान पसंद नहीं है इसलिए मैंने उसे भुला दिया। लेकिन ऐसा करके मैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही हूँ, पर क्योंकि मेरे भाई को वो पसंद नहीं है इसलिए आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे आपकी बात मंजूर है। नहीं बहन, एक भाई अपनी बहन के लिए हर तरह की कुर्बानी देते आए हैं। औरत जब माँ बनती है तो अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियों को हमेशा कुर्बान करती है। मेरी खुशी के लिए तुम अपनी खुशियां कुर्बान नहीं करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे मालिक के लड़के से ही तुम्हारी शादी होगी। भैया, उस लड़की की तुमने जान बचाई और अब उसी से शादी करना चाहते हो, इससे मुझे क्या एतराज है? उसका भाई भले ही हमारे यहाँ लेबर है लेकिन उसकी बहन बहुत ही पढ़ी लिखी है, सुशील है, समझदार भी है, और तुम खुद भी उसे इज्जत के साथ शादी करके लाना चाहते हो, तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? बचपन में तुम एक छोटे से खिलौने के लिए जिद करते थे तो मैं तुरंत लाके देता था। जो कुछ भी तुमने चाहा वो सब मैंने पूरा किया है, और आज तो तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। वो चाहे कोई भी हो और वो कहीं भी रहे, उसे लाकर देना एक पिता होने के नाते मेरा फर्ज है। थैंक यू डैड। तुलसी के भाई और आपके बीच कुछ अनबन है ऐसा मैंने सुना है। देखो बेटा, एक मालिक की यूनियन लीडर से अनबन होती ही रहती है, वो फैक्ट्री में है, घर पर नहीं। मैं वर्करों का मालिक जरूर हूँ, फैक्ट्री में, घर पर नहीं। तुम्हारे रिश्ते की बात करने मुझे जाना है या वो यहाँ आएगा ये पूछ के बता दो मुझे। नहीं मालिक, नहीं, आप मेरे घर नहीं आएंगे, मैं खुद आपके पास आया। मुझ जैसे गरीब की बहन को आपने अपना लिया, यही बहुत है, धन्यवाद। कुछ भी हो, मालिक मालिक होता है। तुम मेरे होने वाली बहू के भाई हो, मेरे लिए संबंधी हो, और अब मेरे बेटे के होने वाले साले हो। तुम्हें संकोच करने की कोई जरूरत नहीं, शादी का इंतजाम मैं करूंगा। तुम अपनी बहन के लिए जो करना चाहते हो बस उसकी तैयारी करो। धन्यवाद मालिक, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों में और मुझ जैसे अनपढ़ में क्या फर्क होता है ये मैं आज जान पाया। आपके घर की बहू मेरी बहन जरूर बनेगी, मुझे शादी की तैयारी करनी है, मैं चलता हूँ अब। नमस्ते। थैंक यू डैड। बारी हमारी है। सभी लोग यहीं पर है ना, मेरी बहन की शादी है। अच्छी बात है भाई साहब, आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई हम लोगों को। शादी में जरूर आना, आऊंगा। मेरी बहन की शादी है, आप जरूर आना। हाँ, जरूर आऊंगा। ये लो, आप लोग भी आना। जरूर आएंगे, मेरी बहन की शादी है, आप लोग जरूर आना। करण, मालिक आए हैं। हाँ, मालिक यहाँ आए हैं। तुलसी, तुलसी,
ये है मेरी बहन तुलसी। नमस्ते। खुश रहो बेटा। जोग जोग जियो। महालक्ष्मी जैसी कन्या को मेरे लड़के ने पसंद किया है। तुम अंदर जाओ बेटा। जाओ। लाओ। क्या है ये? शगुन है लड़के वालों की तरफ से शादी की पत्रिका के साथ। संबंधी शादी की तारीख तय हो गई है और कार्ड भी पढ़ चुके। बच्ची है तो बस अब शादी। तो भाई कोई दक्षिणा नहीं देगा? डरते क्यों हो? ये शादी होकर रहेगी। मेरे लड़के ने तुम्हारी बहन को पसंद किया है, उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। मैं तुम्हारे यहाँ इस वक्त कोई दान दहेज की बात करने नहीं आया हूँ। जो तुम दे सकते हो वो मैं तुम्हारी बहन की भलाई के लिए दक्षिणा के रूप में मांगने आया हूँ। अपनी बहन की खुशी के लिए जान भी दे सकता हूँ। जान अपने पास रखो। तुम्हारी बहन की खुशी के लिए अपनी लीडरशिप मुझे दे दो। क्या तुम अपनी बहन की खुशी नहीं चाहते? अगर ऐसा नहीं है तो मजदूरों के नेता बने रहो। एक तरफ है बहन और दूसरी तरफ है मजदूर, किसे चुनोगे? तुम्हारी बहन उम्र भर मेरे घर में खुशी से जिए देखना चाहते हो तो फैक्ट्री के मजदूरों के हमदर्दी को त्यागना पड़ेगा। बहन की खुशी नहीं चाहते हो तो मजदूरों के नेता बने रहो। यही दक्षिणा में तुमसे मांगने आया हूं। दानवीर कर्ण ने अपना धर्म निभाते हुए दान के रूप में जान दे दी और मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन को अपने सेठ को दान में देता हूं। ले जाओ। करण, हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं और आज से इस दुनिया में मेरी कोई बहन नहीं, यही चाहते थे ना? सेठ सेठ ही होता है, मजदूर मजदूर ही होता है। तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों में और मुझ जैसे अनपढ़ में यही फर्क है। चाहिए कहा? तुलसी, अगर तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई तो ये मेरी हार होगी। नहीं हारोगे आप, कभी नहीं हारोगे। आप मेरे साथ नहीं रहोगे तो क्या हुआ? आप मेरी आँखों का तारा हो भैया। जब तक सभी मजदूर आपके साथ हैं, आप कभी नहीं हारोगे भैया। भले ही हमारी माँ नहीं है लेकिन मैंने तुम्हें एक बेटी की तरह ही पाला है, इसीलिए माँ बाप का फर्ज भी मुझे ही निभाना है। ससुराल में खुश रहोगी तो वो मेरी खुशी होगी। जब माँ मरी थी तब तुम बहुत छोटी थी, तुम रोने की जगह हंस रही थी। उस दिन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें हंसते ही देखा है और आगे भी तुम हंसते ही रहना। जिस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए तो समझ लेना तुम्हारा ये भाई हार गया। मेरा भाई कभी नहीं हार सकता। ये लो, 7 लोगों का 350। एक कड़क चाय ले क्या? एक गर्मा गर्म चाय देना। हाँ। एक बिना चीनी का चाय। ठीक है। मीडियम चाय देना। हाँ। हाँ, अरे यार तुम लोग चारों एक ही साथ काम करते हो तो एक ही जैसी चाय नहीं पी सकते क्या? कैसे, सबकी पसंद एक जैसी होती है क्या? सही है भाई, समझ गया। सुनो, जब ये चारों एक जैसी चाय नहीं पी सकते तो सब मिलकर देश कैसे बचाएंगे? अरे इस कैंटीन का मालिक कौन? तेरे सामने तेरा बाप बैठा है क्या? ज्यादा नखरे किया तो ठीक नहीं होगा। क्या बात है बता? अरे ये तो बासी है। हाँ, तेरे 10 रुपए में बासी वाला नहीं आएगा तो क्या रसगुल्ला, गुलाब जामुन और पेड़ा आएगा? चल भाग यहाँ से। ये तो अपने बाप से भी ज्यादा खराब है। क्या भाई, इस कैंटीन का मालिक कौन है? ए, मजाक समझ रखा है क्या? जो भी आता है मुझसे पूछता है कैंटीन का मालिक कौन है, मैं नौकर हूँ क्या? कहीं तूने तो कोई गड़बड़ नहीं की है? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ का मालिक मैं ही हूँ, यहाँ का फायदा नुकसान सब मैं देखता हूँ, बाकी के सब मेरे ग्राहक है, समझे? तो हर जाना।
तुमने मुझे मारा क्यों? ये तेरा नौकर है ना? हाँ है। पता है इसने क्या किया है? क्या किया? बेटी जरा अंदर आओ। ये है मेरी बेटी। सुबह जब ये यहाँ पे दूध देने आई थी तब इसने क्या कहा पता है? क्या कहा? दूध तुम निकालती हो या तुम्हारे पिताजी निकालते हैं? तब मैंने जवाब दिया, जब मेरे पिताजी नहीं होते तो मैं दूध निकालती हूँ। तब इसने कहा, जब कोई नहीं होगा तो दूध निकालने के लिए मैं आ जाया करूँगा। तुम आराम से सोचकर मुझे बता देना। ऐसे कहा इसने? सुना, मेरी लड़की से ऐसी बात करता है तेरा ये नौकर। उसने ऐसा कहा तो मुझे क्यों मारा? अगर तू इसे डांट के रखता तो ये ऐसी हिम्मत नहीं करता। हे भगवान, आगे से मेरी बात को याद रखना, अगर इसे डांट कर नहीं रखा तो ये तेरे सर पे चढ़ जाएगा। आओ चलो बेटा। अरे जाओ यार, बोलने से क्या होता है, कुछ किया तो नहीं ना? छोटे हैं? जरा एक मिनट हैं? मेरे साथ चलना, जरा जरूरी बात करनी है। चल अच्छा। चल हाँ चलो, जाओ सब लोग, जाओ 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 सब लोग, जाओ चलो बाहर जाओ। उस दिन तूने मुझे जंगली जानवर बनाकर मार खिलाई और आज दूध निकालने की बात पर मार खिलाई। मुझे मार खिलाए बगैर तुझे नींद नहीं आती क्या मोटे? तुझे खड़ा नहीं हजम होता, आज तेरी चर्बी काट दूंगा मोटे। भैया आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे मुंह से निकल गया था, अब ऐसी गलती नहीं होगी भैया। ये लो तुझे स्पेशल बना के लाता हूं, ये ले खा। माफ करना, नहीं भैया खा ले तू भैया, ये खा ले। अब देखा, कसम खाता हूं आज से मैं सुधर जाऊंगा। तुलसी, आज मैं तुम्हें एक जबरदस्त न्यूज़ देने वाली हूँ। क्या है, यही सोच रही हो ना? आज तुम्हारी शादी के बाद मैं सबके सामने अपनी और तुम्हारे भैया की शादी अनाउंस करने जा रही हूँ और अपने डैड को झटका देने वाली हूँ, कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। तुम्हारे पिता ने मेरे भाई को जीते जी मार दिया है, ये मुमकिन नहीं है। तुलसी, तुम मेरे भाई का यहाँ जिंदगी भर इंतजार करो, मेरा भाई यहाँ नहीं आएगा। तुम्हारे पिताजी ने दहेज के रूप में भैया से यूनियन लीडर की पोस्ट मांगी थी, भैया ने उसके बदले अपनी बहन को दान कर दिया। तुलसी, इन्हें कहीं भी जरा भी चोट नहीं लगी है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर, आज मेरे बेटे की शादी है, इस खुशी के मौके पर मेरी लड़की यहाँ इस तरह हॉस्पिटल में लेटी है, ये क्या हो गया? ये अच्छा नहीं हुआ। ये लो, इसमें से एक टुकड़ा उठाकर उन्हें दे दो और वो एक टुकड़ा उठाकर तुम्हें दे देंगे, इस तरह आप दोनों खा लेना। राजा, देखो बेटा, अब इस घर में बहू आ गई है, वो भी पढ़ी लिखी। ये एक मजदूर की बहन जरूर है लेकिन संस्कारवान है। विदेश से तुम भी पढ़ लिख कर आए हो, फिर भी तुम्हारे लिए ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाता। तुम्हारी ख्वाहिश तो मैंने पूरी कर दी, अब तुम मेरा सपना पूरा करो। जी पिताजी, जैसा आप कहें। मुंबई में जो फैक्ट्री मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है उसे संभालने जाना होगा। ये क्या सेठ जी, शादी के बाद नया नवेला जोड़ा मलेशिया, सिंगापुर, जर्मनी, स्विट्जरलैंड हनीमून पर जाता है, आप मुंबई का काम देखने भेज रहे हैं? ए, मेरे बेटे की जिंदगी बहुत लंबी है और ये काम भी बहुत जरूरी है। मुंबई में मेरा करोड़ों रुपया लगा हुआ है और वहाँ का काम पूरा करना इसका फर्ज है, इसे वहाँ अकेले ही जाना होगा। साहब, ये तो जुल्म हो रहा है, शादी होते ही आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। काम करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है लेकिन शादी तो एक ही बार होती है ना, इन दोनों की खुशी में आप अमावस्या की रात की तरह ग्रहण क्यों लगा रहे हैं मालिक? देखो, ये सब बेकार की बात है, मेरा बेटा बहू को छोड़कर हमेशा के लिए मुंबई नहीं जा रहा है। मुंबई में जो मैंने फैक्ट्री खरीदी है उसका काम जल्द से जल्द पूरा करके उस फैक्ट्री को शुरू करना है, तभी मेरा बेटा दुनिया का नंबर वन बिजनेसमैन बनेगा, उसके बाद अपनी बीवी के साथ आराम से जिंदगी गुजारे। फैक्ट्री संभालते संभालते मैं भी थक गया, अब मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। सही कहा सेठ जी, छोटे साहब अगर अकेले जाएंगे तभी सारा काम निपटाकर जल्दी से वापस आ जाएंगे। आपने तो सामान भी पैक करवा दिया, आज ही इनकी शादी हुई है और आप इनको बाहर भेज रहे हैं। मैनेजर सर, छोटे साहब को एयरपोर्ट तक छोड़ कर आओ। जी सर, आइए। ऑल द बेस्ट बेटा, काम निपटा के जल्दी वापस आओ। ठीक है पिताजी। मुंबई से आने के बाद ये केला खा लेना। हाँ तुलसी, आप पिताजी का काम पूरा करके जल्दी ही लौट आना,
मैं इंतजार करूंगी। मौज मस्ती करना कॉलेज में ठीक लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए ये आज भी खेल है। तुम्हें अगर कोई काम नहीं है तो जाओ जाके सारी दुनिया घूमो, लेकिन मेरे जैसे मामूली इंसान से प्यार का नाटक मत करो। क्या हुआ? मेरी बहन को अपनी बहू बनाकर उन्होंने मुझसे छीन लिया। अब तुम्हारे प्यार के नाटक में वो मुझे कहां पहुंचा देंगे? इसलिए सेठ के परिवार के साथ इस गरीब का कोई लेना देना नहीं। पर मैं जानता हूं तुम उसी सेठ की बेटी हो, जानता हूं। तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं हॉस्पिटल गया था, वही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। करण, मेरे पिताजी तुम्हारे सेठ हैं, तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर? तुम दोनों के इस झगड़े से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे भाई के प्यार की आड़ में मेरे डैड ने तुमसे सौदा किया, लेकिन अब मैं भी यही चाहती हूँ। मेरे मगरूर डैड के आगे तुम्हारा सर हमेशा ऊंचा रहे। एक करोड़पति के घर में मेरी बहन गई है, मैं उस घर का दामाद नहीं बनूंगा। जो भी दौलत है वो मेरे डैड की है, उसमें मेरा कुछ नहीं। गाड़ी, बंगला, ये सारे ऐशो आराम उनके दिए हुए हैं। मुझे इनकी चाहत न कल थी न आज है। सच कहूं, मुझे इस ऐशो आराम की जिंदगी से एक गरीब का घर ज्यादा पसंद है। तुम्हारी इन बातों से मैं पिघलने वाला नहीं। तुम्हारी ये कीमती ड्रेस भी तुम्हारे पिता ने खरीदी है। तुम्हारी जो भी पहचान है वो तुम्हारे पिता के नाम से है। पहले तुम अपनी पहचान बना कराओ, फिर मुझसे बात करना। बचपन में पिए हुए दूध से लेकर आज तक तुमने जो भी खर्च किए हैं वो तुम्हारे पिता की देन है, इसे तुम नकार सकती हो? सच कहा, मेरे जन्म से लेकर अब तक की सारी चीजें गिना दी तुमने। उससे ज्यादा मुझे इस बात से खुशी मिलेगी जब मैं पत्नी बनकर तुम्हारे घर आऊंगी। अगर तुम मुझे अपनी पहचान से जोड़ना चाहते हो तो अपनी मेहनत के चंद रुपए मुझे दे दो। आज के बाद से मेरे तन पे कपड़ा, श्रृंगार सिर्फ तुम्हारे नाम का होगा। उसके बाद भी तुम मुझे नहीं अपना सकते तो मेरे मरने के बाद मेरी चिता को पति बनकर आग दे देना। बाप रे, सुधर गया, मारने की जरूरत नहीं है। ए, बेचारा, तुम्हारे मार के डर से उसका यह हाल हुआ है। उसका ऐसा क्या हाल हुआ है, जाकर खुद ही देख ले। स्वामी शरणम अयप्पा। देखो भाई, आज के बाद मुझे ये करके मत बुलाना। आइए सर, बैठिए सर, लीजिए सर, खड़े हो जाइए सर। इस तरह से बात करना, अगर ये करके बुलाओगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अगर आप मुझे स्वामी स्वामी करके बुलाएंगे तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। आज से मुझे स्वामी स्वामी करके बुलाइए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। मैंने भी अब स्वामी बनने के लिए सोच लिया है। अब मैं तुझे स्वामी बनकर ही पीटूंगा और तू स्वामी बनकर ही मार खाएगा। समझा दे रहा हूँ, वैसा मत करना स्वामी। ठीक है, कलेक्शन निकाल। वो तो पूरा खर्च हो गया, मेरे इस नए ड्रेस और अन्नदान में खर्च हो गया। ये क्या बात हुई स्वामी, मेरे पैसों से अन्नदान कर दिया आपने? स्वामी, मन्नत के बाद 50 भिखारियों को दान देना होता है ना। ओह, भिखारी स्वामियों को खाना खिलाने के लिए तू लखपति स्वामी बन गया, वो तो ठीक है। तू वहाँ कब जाएगा? अयप्पा स्वामी बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। अयप्पा स्वामी तुझे लेटर भेजेंगे या एसटीडी से फोन करेंगे? वो तो एक राज की बात है स्वामी। कौन सी बात है? राज की बात। अच्छा स्वामी, समझ गया स्वामी। स्वामी शरम अयप्पा। क्या बात है बेटा, ये कैसा भेष बना रखा है? ये भेष नहीं है डैडी, ये मेरी असली जिंदगी है। यूनियन लीडर करण की पत्नी बनने जा रही हूँ, उनसे शादी करके उन्हीं के साथ जिंदगी बिताऊंगी। तो तुम मेरे मुंह पर थूक कर जा रही हो? तुम्हारे भाई ने उस गरीब की बहन से प्यार किया तो वो खिलौना मैंने उसे लाके दे दिया। तुम अगर उस मजदूर से प्यार करती हो तो तुम्हारा मेरा बाप बेटी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। आपकी कमाई इस धन दौलत से मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वसीयत बना दी है। मेरी शादी के बाद मेरे पति आपकी दौलत में हिस्सा मांगेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इन पेपर्स पर उनके भी दस्तखत हैं। इन पेपर्स पर आपकी प्रॉपर्टी में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, आप खुद ही लिख लीजिए। एक खेल बाप और बेटे ने मिलकर उस गरीब के साथ खेला, वही खेल आज बाप के साथ बेटी खेल रही है। जो दूसरों के दुख पर खुशियां मनाते हैं उनकी दौलत उन्हें कितनी खुशियां देती है मुझे भी देखना है। उस इंसान ने जिस बहन को अपने कलेजे से लगाकर पाला उसका त्याग कर दिया, वो महान इंसान आपकी करोड़ों की दौलत के ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। ये लीजिए, मैं चलती हूँ।
ये क्या हुआ पापा? बता नहीं क्या हुआ। मैं नंबर बताता हूँ, तुम डॉक्टर को फोन करो जल्दी। तुम्हारे दिए हुए उन पैसों से साड़ी खरीद कर उसे पहनकर नंगे पैर तुम्हारे पास आई हूँ। आज के बाद मेरे डैड से मेरा कोई लेना देना नहीं। उनकी जायदाद में मुझे और मेरे पति को एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, ऐसा मैं उन्हें लिख कर देकर आई हूँ। अगर अभी तुम मुझे अपनाना नहीं चाहते तो मुझे अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाओ। क्या सोच रहे हो बेटा, बच्ची के पास सब कुछ होते हुए भी वो सब कुछ छोड़कर तेरे पास आई है, उसे अपना ले बेटा। इसने इस रूप में जिस समय यहाँ कदम रखा उसी समय ये मेरी हो गई। घर या मंदिर में मैं इससे शादी नहीं करूंगा, बल्कि जिस तरह धूमधाम से मेरी बहन की शादी हुई थी ठीक उसी तरह, उसी धूमधाम से पत्रिका छपवा कर इसके पिता के सामने मैं इसे अपना बनाऊंगा, इज्जत के साथ सबके सामने अपनाऊंगा। तब तक का इंतजार करना। और तब तक तू मेरे साथ रहेगी बेटा। इधर आइए। क्यों छोटे छोटे चार डॉक्टर बुलाए, किसी एक अच्छे डॉक्टर को नहीं बुला सकते थे? प्लीज रिलैक्स सर। उधर देखो, एक को समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे को दिखा रहा है। पापा ने ही मुझे फोन करके इन चारों को बुलाने को कहा था। आज के बाद एक भी टेलीफोन नीचे मत रहने देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। आप ही सेठ जी की बहू हैं ना? जी हाँ। जरा इधर आइए, बात करनी है। अकेले में क्यों कहोगे, जो कहना है सबके सामने कहो। प्लीज। मुझे पहले से ही शक था कि कुछ उल्टा होने वाला है। इनको जो बीमारी है वो आम बीमारी नहीं है, ब्लड कैंसर है। क्या? अरे बाप रे! पापा! मालिक, सेठ जी, क्या हुआ मालिक? पापा! क्या हुआ? ये देखिए क्या हो गया मालिक। रात को ये चिकन खाते खाते बहुत शराब पी रहे थे, तभी मैंने मना किया था। देखो खून की उल्टी होने लगी ना। कुछ ही देर में इन्हें आराम मिल जाएगा, घबराओ मत। हम लोग घबराएंगे नहीं तो इनकी खून की उल्टी रुक जाएगी क्या? सर देखिए, आपको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। ये कैसे ख्याल रखेंगे? फैक्ट्री का लोड इन पे कम डालना, जितना आराम करेंगे उतना ही अच्छा है, बाकी भगवान के हाथ में। फिर आप लोगों का क्या काम, जाओ यहाँ से। हमारी जब भी जरूरत होगी हम आ जाएंगे। डॉक्टर चलिए। डॉक्टर ने मेरी बीमारी के बारे में क्या बताया? कुछ नहीं पापा, बस उन्होंने कहा कि आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये खून यूं ही निकल रहा है या इसकी कोई और वजह बताई? पापा, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ बेटा, मुझे क्या बीमारी है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा शक यकीन में बदल गया जब डॉक्टर ने तुमसे अकेले में बात करने को कहा। मैं जानता हूँ मुझे ब्लड कैंसर की बीमारी है। पापा, तुम्हारे भाई के साथ मैंने सौदा किया, मेरे बेटे को मैंने तुमसे दूर भेज दिया। उन सब के साथ जो मैंने अन्याय किया उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी। अब मैं फैक्ट्री नहीं जा सकता, हजारों लोगों की काम करने वाली फैक्ट्री में अगर जिम्मेदार इंसान नहीं होगा तो वो डूब जाएगी। मुंबई का सारा काम छोड़ के अर्जुन को यहाँ आने को कहो, मैंने बड़ी मेहनत से ये फैक्ट्री बनाई थी। होने दो, चाहे कितने भी करोड़ का नुकसान क्यों ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। वहां नहीं तो मेरा बेटा यहाँ कमा लेगा। जाओ बेटा, फोन करके उसे जल्दी बुलाओ, कहो मैंने बुलाया है। मां जी, आप यहाँ कैसे? आप मेरे लिए खाना लेकर आई हैं? तेरा कोई नहीं, ऐसा मत सोचना बेटा, मैं हूँ ना। कैंटीन का खाना खाकर अपनी सेहत मत बिगाड़ना। करण, करण, क्या हुआ? करण, सुना है इस कंपनी का कोई नया मालिक आ रहा है, पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। पता नहीं नया मालिक कैसा होगा बेटा। मालिक कोई भी रहे, पहले बाप से लड़ाई थी और अब उनके बेटे से लड़ाई होगी। ये कैसी आवाज है? लगता है नए मालिक आ रहे हैं।
हमारी बेटी तुलसी है, तुलसी है बेटा, तुलसी, तुलसी, बेटा, बेटा तू आ गई, बेटी तू आ गई, मेरी प्यारी बेटी। अरे बेटी तू इतनी बड़ी फैक्ट्री की मालकिन बन गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हे भगवान, तू मेरी ही तुलसी है ना, जिसे मैंने पाला, तुम वही हो ना बेटी, बोल ना बेटी तुलसी। शट अप। खाना देने आई हो, खाना देके जाओ यहाँ से, बेकार की पुरानी बातें मत करो यहाँ, गेट आउट। ये सब उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। हर डिपार्टमेंट का इंचार्ज मुझसे आके मिले, उसके जाने के बाद यूनियन लीडर मेरे पास आए। कैसी रही मेरी एक्टिंग? सेठ जी, आप कोई मामूली नहीं खानदानी एक्टर हैं। क्यों भाई, तुम सब लोग डॉक्टर हो क्या? और मुझे ब्लड कैंसर डिक्लेयर कर दिया। टैक्सी ड्राइवर, ये ऑटो ड्राइवर, कंपाउंडर, सुपरवाइजर, तुम लोग कब से डॉक्टर बन गए? सभी लोग यहाँ पर पैसा खर्च करके ही डॉक्टर बनते हैं और तुम लोग पैसा लेकर डॉक्टर बनते हो। तुम लोगों ने बताया कि मुझे कैंसर है और इस बात को सभी ने मान लिया। बहन को उसने खो दिया तो क्या हुआ? इस शहर के सबसे बड़े त्यागवीर को इस बात की रत्ती भर भी भनक नहीं होनी चाहिए। मेरी बहुरानी नहीं, उसकी बहन को मेरी जगह फैक्ट्री का मालिक बनाकर भेजा है मैंने, अब वही उसको सबक सिखाएगी। एक दिन मैं इस कुर्सी पर बैठूंगी, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा ना। पर मैं क्या करूं? मेरे भाई ने कहा था ससुराल जाके उन सब का सर ऊंचा रखना, वही मैं कर रही हूँ। आज मैं उनकी बात का पालन कर रही हूँ। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए मुंबई की फैक्ट्री को बंद करके मेरे हस्बैंड को यहाँ बुलवा रहे थे। मेरे भाई ने मुझे पढ़ा लिखा कर एक फैक्ट्री को संभालने लायक बनाया है, ये मैं अपने ससुराल वालों को दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मिस्टर यूनियन लीडर, एक मालिक और एक यूनियन लीडर एक सांप और नेवले की तरह होते हैं। जब मालिक कुछ अच्छा करता है तो यूनियन को उसका साथ देना चाहिए, जब यूनियन कुछ करता है तो मालिक उसे रोकता है और तभी वर्कर्स का भला होता है। हमें मिलकर अच्छे काम करने चाहिए, अगर गलत हो तो मिलकर सुलझाना चाहिए। ये सब छोड़कर हड़ताल करोगे तो मजदूरों का ही नुकसान होगा। ये सब याद रखकर अपना काम करो। किसी से भी कोई गलती हुई तो बख्शूंगी नहीं, सजा दूंगी। अब जाओ। अरे सुन बेटी, बेटी बेटी सुन, तो तुझे एक बात बताऊं? क्या बात? बताती हूँ, पहले इसे नीचे रख। अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटी? बताइए ना क्या हुआ? तेरे पिताजी को खून की उल्टी होने की वजह से वो घर में बीमार पड़े हैं। उनकी जगह मुंबई से कोई नया मालिक आ रहा है, ये जानकर सभी लोग उनसे मिलने के लिए एक साथ बाहर खड़े हो गए और इतने में ही जूम करके एक गाड़ी खड़ी हो गई, एकदम बीच में खड़ी हो गई। सभी लोग डरकर अपनी जगह नए मालिक को देखने के लिए आंखें फाड़ फाड़ कर गाड़ी की तरफ देख रहे थे और मैं भी वहीं खड़ी थी। थक करके गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से कौन उतरा जानती हूँ? अरे अरे मेरी बेटी तुलसी, तुलसी, हाँ, तुलसी बेटी। हाँ। अरे मैं तो खुशी के मारे चक्कर खा के वही गिर जाती। वो मेरी बेटी है ना, मेरे सामने बड़ी हुई है। मैं तुलसी कहते ही उसे गले लगाने के लिए उसके और भागी, तब शू करके एक आवाज आई। बापरे, मैं तो डर ही गई। बापरे बाप, जहरीली नागिन फन फैलाए फुफकार दिए। वैसे खाना देने आई हो, खाना देके यहाँ से चली जाओ, पुरानी बातें दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कह के चली गई वो, मेरी बेइज्जती करके चली गई मेरी बेटी तुलसी। तुलसी ने? हाँ, अगर वो यहाँ पर खड़े शू शू करती ना तो उसके सारे दांत यहीं पर तोड़कर हाथ में देती। अब कंपनी के लोगों के सामने मैं उसे क्या कहूँ? हे भगवान, उसने हजारों लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है ना, तो देख लेना। तो क्या लगा रखा है, यहाँ पर भी शुरू हो गई? घर में होती तो वो तुम्हें माँ कहती, हजारों के सामने कंपनी में उसकी बेइज्जती करोगी तो वो चुप रहेगी? जानती हो वो मजदूरों की मालकिन है,
तुम्हारी कोई बात उसे बुरी लगी होगी तभी वो तुम पर भड़की। तुम्हारी बहन इमली के पेट में आम होता है कहेगी तो तुम भी उसी के हाँ में मिलाकर कहोगे कितने आम लगे हैं। सही कहा ना बहन के प्यारे भाई। सही कहा भाई साहब, शादी का कार्ड लाओ। शादी का कार्ड मतलब शादी की तैयारी। अरे ये लो शादी का कार्ड। अगले हफ्ते मेरी इसके साथ शादी होने जा रही है बड़ी धूमधाम से। हमारी यूनियन के लोगों के साथ साथ हमारे मालिक लोग भी आ रहे हैं हमारी शादी में। मालिक आ रहे हैं मतलब डैड? इस समय मालिक कौन है? तुम्हारी बहन। वही आ रही है। वो आएगी या नहीं उससे पूछा क्या? आज ही पूछ लूंगा। तो फिर पक्का नहीं आएगी। मालिक मालिक मेरी बात सुनिए। देखिए मालिक गजब हो गया। ए मालिक देखिए मालिक क्या हो गया। आपकी बेटी घर छोड़कर चली गई, आपका बेटा शहर छोड़कर चला गया और आप तो दुनिया ही छोड़कर जाने वाले हैं। आपने सारे मजदूरों का खून चूसा इसीलिए आपके खून में कीड़े पड़ गए मालिक। उनका खून अशुद्ध था, आपको उनका खून नहीं चूसना चाहिए था। चार डॉक्टर आए तभी मैं समझ गया था कि आपका टिकट कटने वाला है मालिक। वो लोग आकर आपका टिकट काट गए। मालिक अब आपके पास सिर्फ एक साल है या 6 महीने है या 3 महीने है या 2 हफ्ते है या 1 ही हफ्ता है या आज है या कल है। मालिक 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 आप कब जाने वाले हैं मालिक? मुझे बताइए मालिक। अबे गधे ये कोई खुशी की बात है क्या? जो तू मुझे शॉल उड़ा रहा है। इस दुनिया में जो भी आया है उसे जाना ही पड़ता है। आप बिल्कुल घबराइए मत मालिक। इस खुशी में मैं सुपरमार्केट गया था और आपके लिए एक कश्मीरी शॉल लेकर आया ताकि मैं आपको इज्जत से विदा कर सकूं मालिक। स्वीकार कीजिए ये शॉल। ओढ़कर आप खून की उल्टी करके मरेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और मजदूरों के लिए भी। आपकी स्वर्ग की यात्रा सुखमय हो। क्या बात है सब लोग साथ में आए हो वो भी पूरी तैयारी के साथ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मालकिन, हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम लेकर ही आपके पास नहीं आते, कुछ अच्छे काम भी लेकर आते हैं। अच्छा काम? वो क्या है? मेरी शादी। वो भी आपके आशीर्वाद से। मेरे आशीर्वाद से? जी मालकिन, ये आपको आमंत्रित करने के लिए। यूनियन लीडर की शादी में शामिल होने के लिए मैंने जरूर पुण्य किए होंगे। मैं जरूर आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मार से बचाओ, मार से बचाओ, मार से बचाओ। शरणम अय्यप्पा। भैया स्वामी। छोटे स्वामी है? मैं भैया स्वामी नहीं हूँ स्वामी, खड़ूस स्वामी। एक स्वामी दूसरे स्वामी को मारेगा तो पाप नहीं लगेगा। ये ले। स्वामी, ये ले। स्वामी स्वामी ये आईडिया आपको किसने दिया? स्वामी इधर आओ। मेरी एक बात तुम अपने मन में बिठा के रखना स्वामी। तुम चाहे जो भी वेश बदलोगे मैं तुम्हें उसी वेश में आकर मारूंगा स्वामी, याद रखना। सुनो स्वामी जरा झुक जाओ, झुक जाओ बोला ना। स्वामी स्वामी माता मार। स्वामी भैया आपकी शादी में फैक्ट्री की मालकिन आ रही है, आप खुश नसीब हो। मुझे इस दिन का ना जाने कब से इंतजार था। मैं आती हूँ। ठीक है मालकिन। सुनो मैं शादी में जाके आती हूँ, ड्राइवर गाड़ी निकालो। जाता हूँ मैम साहब। आप कहाँ जा रही है मैम साहब? शादी में जा रही हूँ। करण जी को मेरी तरफ से बधाई देना। हाँ मेरे भाई की शादी में। मेरे मरने से पहले शायद ये मेरे लिए आखिरी शादी हो, शायद इसके बाद कोई और शादी ना देख पाऊं, इसलिए बेटी को आशीर्वाद देके गलती सुधारना चाहता हूं। वैसे तुम अगर जाना चाहती हो तो मैं गाड़ी से उतर जाता हूं। आप जाइए पापा। मेरी तरफ से उन्हें दे दीजिए। क्या ये? इसमें 2 गजरे हैं। आइए आइए आइए। नमस्कार। आइए नमस्कार। अरे बेटा अभी तक तुलसी नहीं आई। आएगी वो जरूर आएगी। देखो मालिक आ गए, मालिक आ गए। आइए मालिक आइए। ये यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या हुआ? आप सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? तुम लोगों के नए मालिक की जगह पुराना मालिक आया इसलिए। एक बात याद रखो, ओल्ड इज गोल्ड। मेरी बहू रानी को बहुत ही जरूरी काम निकला है इसलिए उसने कहा पिताजी आप जाइए। इसलिए मैं आ गया हूँ तुम्हें आशीर्वाद देने। मेरी लड़की करोड़ों की जायदाद को छोड़कर तुम जैसे मजदूर के साथ यहाँ शादी कर रही है, तो मेरी बहू को यहाँ आने में शर्म आ रही थी इसलिए उस
उसने यहाँ आने के लिए मुझे कहा। ये लो, तुम्हारी नई मालकिन की तरफ से एक तोहफा, दो गजरे हैं इसमें। और मेरी तरफ से तोहफा है ये 24 रुपए। जानते हो मैं दूल्हे को 24 रुपए क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इसे 24 नंबर बहुत पसंद है। तुम सबको बोनस भी इसने 24% ही दिलवाया था, इसलिए 24 रुपए मैं इसे बख्शीश में दे रहा हूं। ये लो। भाई पर जान छिड़कने वाली एक बहन ने अपने भाई की शादी में तोहफा भिजवाया है, 2 लड़ी गजरा, क्योंकि यहाँ फूल नहीं है ना। स्वामी जी ये लीजिए। माँ जी मुझे दीजिए। इनाम में तुम्हें मंगलसूत्र दूंगी। मेरी शादी में मंगलसूत्र अपनी तरफ से दूंगी, ऐसा उसने कहा था। दे दिया, लीजिए पहना दो बेटा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला तनुवाई, इसे पहना दो। शहनाई बजाओ भाई, देख क्या रहे हो, पहनाओ उसे जल्दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला तनुहरी, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। माता जी फेरे होने के बाद हम ये आशा करते हैं कि दूल्हा दुल्हन का जीवन मंगलमय हो। ये नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? है समा मस्ताना, दे प्यार का नजराना। प्यार में ना शर्माना, बन जाने दे अफसाना। नजराना प्यार में ना शर्माना, बन जाने दे अफसाना। छोड़ो अब तो शर्मो है, तू बाहों में आ जाना रानी। सुना तुम आना, जरा बात को समझो जाना। बन जाना अफसाना, थोड़ा सब्र रखो जाना। मुझे प्यार करो तुम दिल से, ना तन में अगन लगाओ जाना। प्यारा चांद तो है पास में मेरे, छोड़ दो कुछ तो प्यार कल के लिए। कल का भरोसा क्या है, प्यार कर ले। देखते रहो मुझे सारी रात, प्यार करो बस दिल ही दिल में। ओ अब ना होता और इंतजार, बातों में कहीं ना रात बीत जाए। बरसने तो दो, इतने करीब आना लगता है डर। ओ तन मन को तुम आज दो जरा मिलने, बाकी है रात ढलने दो जरा, थोड़ा इंतजार और करो तो जरा। ओ अभी जा सनम बाहों में मेरी, कर दे अरमान पूरे दिल के मेरे। पास ना तुम आना, जरा बात को समझो जा।
मामा मस्ताना, दे प्यार का नजराना, प्यार में ना शर्माना, बन जाने दे अफसाना, छोड़ दे अब तो शर्मो हया, तू बाहों में आ जाना। क्या बात है, ऐसी क्या अर्जेंट बातें जो बताना चाहते थे? एक सेटलमेंट क्लियर करना था। इस महीने से 2000 लोगों को 200 रुपया पगार बढ़ाकर देना है, ऐसा लीडर ने कहा है। नहीं दिए तो सेठ और मजदूरों के बीच में अनबन पैदा हो जाएगी। ओह, मैं आजकल भूल ही जाता हूँ, क्या करूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। वैसे इस समय कंपनी कौन चला रहा है? वो तो मेम सब चला रही है। करेक्ट। मालिक, आपने अपनी बहुरानी को कुर्सी पर तो बिठा दिया, लेकिन वो यूनियन लीडर उसका भाई है, उसके खिलाफ बहुरानी नहीं जा सकती। मैंने तुमसे कहा था कि एक मजदूर को साथ लेके आना, उसे लेकर आए हो? हाँ लाया हूँ मालिक, बाहर खड़ा है। उसे अंदर बुलाओ, सारा काम तो उसे समझाना है। जी मालिक। ए, जरा देख कर चल। यहाँ रुको, ये आ गया मालिक। नमस्ते मालिक। जब दारू पी के तुम काम कर रहे थे तो तुम्हारे यूनियन लीडर ने तुम्हें एक महीने के लिए सस्पेंड किया था ना? जी मालिक। तो उसका बदला लेने के लिए क्या तुम उसे सस्पेंड नहीं करोगे? मैं एक मजदूर हूँ, इतना बड़ा कैसे सोच सकता हूँ मालिक। मैं जैसा कहूँगा अगर तुम वैसा करोगे तो वो फैक्ट्री के नजदीक आने लायक नहीं बचेगा। मुझे क्या करना होगा? मैनेजर, बाहर गाड़ियों में 10 ट्रक कच्चा माल भरा पड़ा है। हमारे गोदामों में जितना भी बेकार माल है उसे बाकी गाड़ियों में लोड करवा दो। मजदूरों को लगना चाहिए कि वो कचरा नहीं कच्चा माल है। ये काम बहुत संभल कर करना होगा। सबको यकीन दिलाना होगा कि कच्चा माल तुमने उतरवाया जिसमें बाद में आग लगेगी। अरे मालिक, मैं ऐसे झूठ बोलूंगा तो सारे मजदूर मेरी जान ले लेंगे। तुम्हें कौन सी आग लगानी है, सिर्फ बीड़ी जला के फेंक देना। साहब, इससे हमारे यूनियन लीडर को कैसे निकाला जा सकता है? तभी तो तुम मालिक नहीं बन पाए। ये लो, ये रकम मैं तुम्हें बीड़ी जलाने के लिए दे रहा हूँ। एक बीड़ी जलाने का 20,000? कम से कम 1,000 बंडल जल गए हैं। इसकी भरपाई करने में हमें कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए। उसका इंश्योरेंस तो था ना? भले ही हमने इंश्योरेंस किया है, लेकिन जब तक इस केस की तहकीकात होगी पैसा हमारे हाथ में नहीं आएगा। इन मजदूरों को कौन संभालेगा? नुकसान तो हमारा हुआ है, इसमें मजदूरों का क्या लेना देना? मालिक, सेटलमेंट हो चुका है। 2,000 वर्करों को पगार बढ़ाकर देनी होगी। कम से कम 40 लाख रुपए देने होंगे, तभी मुमकिन है। ये संभालने वाला काम मेरी बहू करेगी। मजदूरों से किसी तरह बात करके इस साल की जगह अगले साल के लिए मना लेगी, है ऐसी मुझे उम्मीद है। पिछले 2 साल से पगार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, कैसे भी करके इस साल बढ़ानी ही होगी। अगर हम 200 रुपए अगले साल बढ़ाने को कहेंगे तो ये कैसे चलेगा मालिक? हम देने से इनकार कहाँ कर रहे हैं, इंश्योरेंस का पैसा आते ही दे देंगे उन्हें। मजदूरों को तो हम किसी तरह मना लेंगे, लेकिन मजदूरों के लीडर को कैसे मनाएंगे? आप फिक्र मत करो, वो कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना खड़ी करे, मैं निपट लूंगी। लेकिन बेटा सुनो, मजदूर एकता, हमारा नेता, हमारा नेता, हमारा नेता। नेताजी, ये तो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। सेठ लोग अपनी जुबान से बार बार मुकर रहे हैं 2,000 मजदूरों को 200 रुपए बढ़ा कर देने थे, अब अगले साल। ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ। आइए। नमस्ते। बैठिए। रहने दो। बैठ जाइए। मिस्टर करण, हमें जो नुकसान हुआ है उसे हमें संभालना होगा। माफ कीजिए, हमें नहीं, आपको। क्या मतलब?
करोड़पति सेठ लोग और गरीब मजदूर लोग एक कैसे हो सकते हैं? मालिकों का नुकसान क्या मजदूरों का नुकसान नहीं है? सेठ लोग तो करोड़ों कमाते हैं, उसमें से मजदूरों को कुछ देते हैं क्या? अगर हम नुकसान में हिस्सेदार हैं तो फायदे में से हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे? ये सब मुझे नहीं सुनना है, काम की बात करो। यहाँ क्या हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा माल जलकर राख हो गया। हमें जो आपकी पगार बढ़ाकर देनी थी वो अगले साल हम दुगनी कर देंगे। ये हमें मंजूर नहीं। मंजूर क्यों नहीं है? नुकसान का समय आया तो कई बहाने भी आप लोगों ने ढूंढ निकाले। इससे अच्छा है मजदूरों को अपने बंगले में रखकर उनका खर्चा पानी संभालो। मजदूरों का बाप या ससुर कोई सेठ नहीं है। मिस्टर, किस समय किसके साथ क्या करना है हम अच्छी तरह जानते हैं। बेकार की बातें मत कीजिए। दिन रात अगर आप मेहनत करते हैं तो हम भी करते हैं। मालिक होने से हम दिन में 6 बार नहीं खाते हैं। लीडर हो पर अपनी हद पार मत करो तुम, क्योंकि इसमें सिर्फ नुकसान तुम्हारा होगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर मजदूरों की मांग पूरी नहीं हुई तो हड़ताल का सामना करना पड़ेगा। अगर एक छोटी सी मांग को लेकर तुम हड़ताल पर जाना चाहते हो तो उसका सामना करने के लिए हम भी तैयार हैं। मेरी एक बात का जवाब दो। मजदूर मजदूर करके तुम मरे जा रहे हो। जानते हो माल को आग किसने लगाई है? तुम्हारे ही एक मजदूर ने। कच्चे माल के पास जलती हुई बीड़ी को फेंक दिया जिससे माल जलकर राख हो गया। उसका नुकसान तुम भरोगे? हम लोग पगार बढ़ाने से इनकार नहीं कर रहे। अगले साल तुम्हें दुगनी दे देंगे। इंश्योरेंस का पैसा आ गया तो उससे भी पहले दे देंगे। नहीं आया तो पैसा देने का इंतजाम भी हमें ही करना होगा ना। इसलिए मालिक होने के नाते हमें मजबूर मत करो। नहीं, आप पैसा आने के बाद ही दीजिए। मेहरबानी करके मजदूरों पर जुल्म मत कीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए। नेताजी, क्या हम लोग जीत गए? इस महीने से 200 रुपया बढ़ा के मिलेगा ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मालिक के हुए नुकसान में हम लोग भी गुनहगार हैं। कारण? फैक्ट्री के अंदर बीड़ी सिगरेट पीना मना है, ये सभी जानते हैं। हम में से किसी एक मजदूर ने बीड़ी पीकर कच्चे माल पर फेंक दी, इसीलिए मालिक के नुकसान के जिम्मेदार हम लोग हैं। एक मजदूर की वजह से सेठ का लाखों का नुकसान हुआ तो क्या सेठ चुप रहेगा? ऐसे समय में सिर्फ अपना फायदा देखना ठीक नहीं है। करण, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। इसकी सजा मुझे अकेले को मिलनी चाहिए। फैक्ट्री में नुकसान हुआ, उन सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मेरी वजह से मजदूरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। शांत हो जाओ। छोड़ दो मुझे। रुको, कल की आई नहीं मालकिन, हम लोगों को नए नए कानून सिखाना चाहती है। कल तक तो झोपड़पट्टी में भी किराए पे रहती थी और आज मालकिन बन गई है तो मजदूरों का निवाला छीन रही है। अभी उसे पता नहीं है कि हम मजदूरों में कितनी ताकत होती है। पति को बाहर भेजकर ससुर के साथ रंगरेलियां बना रही है। इन मजदूर भाइयों की भूख क्या जानेगी वो? अपने पति को छोड़कर अपने ससुर के साथ रहने वाली तेरी बहन को इन मजदूरों की हाय लगेगी। नहीं छोड़ूंगा तुझे, जान से मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। मेरी बहन ऐसा बोलता है और मार मुझे। तू मुझे मारे, इसीलिए मैंने ये सब तुझसे कहा। गोदाम में मैंने ही आग लगाई, ये सुनने के बाद तो तूने मुझे नहीं मारा, और जब बात तेरी बहन पे आ गई तो तू मेरी जान लेने पे तुल गया। क्यों? पूछो इससे, पूछो इससे। अरे कोई पूछता क्यों नहीं है? क्योंकि फैसला करने तू सेठ के पास नहीं गया था, अपनी बहन से मिलकर आ रहा है। नहीं, अब ये हमारा नेता नहीं रहा, ये हमारी नई मालकिन का भाई है। आज के बाद अगर हम इसकी बात मानेंगे तो सिर्फ मेरा परिवार नहीं, तुम सबका परिवार भी भूख से मरेगा। मनी भाई, मेरी बात सुनो। मैं बहन से मिलकर नहीं आ रहा हूँ, मैं मालिक से मिलकर आया। मनी भाई सुनो, मुझे माफ कर दो। रामू, पीटर, जॉन, सुनो मुझे माफ कर दो, मैं सच कह रहा हूँ। सुनो सलीम, मेरे भाई, मेरे यार, मेरा यकीन करो, मैं मालिक से बात करके आया हूँ, अपनी बहन से नहीं। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। ये देखिए मालिक। क्या है ये? ये है आपके नए बंगले का डिजाइन। मेन रोड से सीधा अंदर आ सकते हैं आप। इस तरफ से पहाड़ है, यहाँ पर एक तोप है, यहाँ पर गार्डन है, और इन दोनों साइड में बच्चों को खेलने के लिए मैदान है। इसके ठीक बाजू में है स्विमिंग पूल, और इसके ठीक सामने यहाँ आपकी समाधि बनेगी। ये हाँ, ये दूसरी डिजाइन देख लीजिए। अगर देखने के बाद आपने मना कर दिया तो तकलीफ हो जाएगी। पसंद नहीं आई तो ये देख लीजिए, ये है मॉडर्न डिजाइन। ये दोनों पुतले औरत के हैं, बिना कपड़ों के। मरने के बाद आपके मनोरंजन के लिए मैंने डिजाइन किए हैं। आपके मरने के बाद हमारी बनाई हुई समाधि आपको पसंद नहीं आएगी, इसीलिए आपके जीते जी आपकी मनपसंद समाधि बनाने का हमने इंतजाम कर दिया है।
इस संसार में आप सबसे पहले आदमी होंगे जो मरने से पहले अपनी समाधि तैयार करवाएंगे। ये हिस्ट्री बनेगी, खाली बोल बच्चन नहीं है। अब हो या बाद में हो, आज हो या कल हो, इस महीने हो या अगले महीने हो, आपका मरना तो तय है ना। उससे पहले मैंने सीमेंट, ईंट, रेत सब मंगवा लिया है। जहाँ आपको दफनाना होगा उस जगह को छोड़कर बाकी काम फिनिश कर दूंगा। क्या कहते हैं? ए, गधे, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। तेरी समाधि उससे पहले बनवा दूंगा, उसका भी इंतजाम कर दूंगा। पहले पैसे निकालिए। जा ना, जा। देखा ना, मैं ही आया ना, और कोई आया? अब तो समाधि कंफर्म है, उसमें नो चेंज। भाई साहब नमस्ते, आपको भी मुझ पर शक है? तू हमारे सेठ से बात करने नहीं गया था, अपनी बहन से बात करके आया। मगर मेरी बात तो सुनो। मुझे और भी बहुत काम है, जाना। किशन, क्या हुआ भाई? ए, क्या हुआ? मशीन बंद हो गई। कैसे? पता नहीं। काम पे आते हो तो काम पे ध्यान दिया करो, इसी ने कुछ किया होगा। क्या बात है, शोर क्यों मचा रखा है? अरे मालकिन, देखे ना मालकिन, इसने मशीन बंद कर दी। मिस्टर करण, इस मशीन की कीमत क्या है जानते हो? इसकी रिपेयरिंग में कितने पैसे खर्च होते हैं क्या तुम्हें पता है? तुम्हारे घर की जो प्रॉब्लम है उन्हें घर पे रखो, फैक्ट्री में लाके हमारा नुकसान मत करो। तुम्हारे दिमाग में जो भी प्रॉब्लम चल रही है पहले उसे खत्म करो, उसके बाद में आओ। इस मशीन की मरम्मत में जो खर्चा होगा 10 साल तक भी तुम उसे भर नहीं सकते। मालकिन, मुझे लगता है इसने शराब पी हुई है। उस दिन मैं थोड़ी सी पी करके आ गया था तो इसने मुझे 1 महीने के लिए सस्पेंड करा दिया था। मालकिन, एक साधारण मजदूर को ऐसी सजा मिलती है तो एक नेता को कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? शट अप मिस्टर, ये मशीन जब तक बनकर नहीं आ जाती तब तक यहाँ 1 महीने तक काम नहीं चलेगा, तब तक मैं आपको सस्पेंड करती हूँ। तुम्हारे सपोर्ट में किसी भी मजदूर ने तुम्हारा साथ दिया तो मैं उसे भी यहाँ से निकाल दूंगी, ये बात अच्छे से समझ लो। गेट आउट। वन मिनट, तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें 1 महीने की पगार नहीं मिलेगी। यू कैन गो। सब जाओ, अपना अपना काम करो। मेरी बहू बहुत ही समझदार है और बहुत ही काबिले तारीफ भी। अगर आप कहें तो मैं भी आशीर्वाद दे दूं। मैं तो चुप रह, झुक जियो बेटा, झुक झुक जियो। क्या बात है पापा, ये सब क्या है? आज बहुत ही खुशी का दिन है, मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई। आज तक जो काम मैंने सोचे थे वो सब पूरे हो गए हैं। बहू, अब मैं कहीं भी रहूं मुझे कोई चिंता नहीं है। मरने से पहले इंसान जो खुशी अपने जीते जी देखना चाहता है, आज वो सारे काम पूरे हो गए हैं। तुम क्या सोच रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, किसके बारे में कह रहा हूँ, तुम समझ नहीं पा रही? इतने दिनों से मैं आपके साथ रह रहा हूँ, मैं नहीं समझा तो ये बेचारी क्या समझेगी? मुंबई में जो फैक्ट्री खरीदी थी उस फैक्ट्री का सामान तुम्हारे पति ने शेयर बाजार में बेचने के लिए एग्रीमेंट कर दिया है। यहाँ की कमाई तो उसके लिए सिर्फ पॉकेट मनी है। अब वो करोड़पति है, अब वो अरबों कमाने जा रहा है। अब वो कौन है, क्या है, उसका ऐसा नसीब मेरी बहू की वजह से है। तुलसी, कौन? बहू, तुम्हारे भाई को? नहीं नहीं नहीं, उस यूनियन लीडर को तुमने सस्पेंड किया है ना। बेचारे गरीब को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे होते हुए अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है। तुमने उसके पंख कतर दिए हैं और अपनी काबिलियत साबित कर दी है। एक्सक्यूज मी, ये जंग का आगाज पहले हुआ था उसके लिए या आगे होगा उसके लिए है? खास खास कर, आप धीरे धीरे समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर जल्दी नहीं गए तो लकवा मार देगा। बदतमीज। ए महलों की रानी,
बाहर निकल। मायकी में जो सोचा भी नहीं वो पति के घर मिला तो तू बह गई है। मेरे पति को समझती क्या है? तुझे खुशी देने के लिए वो जिस दौर से गुजर रहे हैं, अगर उसका तुझे एहसास होता तो तू ऐसा नहीं करती। तेरी खुशी के लिए मेरे पति ने मजदूर का चोला पहन लिया है। तुझे इसका एहसास होता तो तू ऐसा नहीं करती। तू आज कार में घूम रही है और वो साइकिल से। अगर ऐसे भाई को तूने भुला दिया तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। और सुन, इस समय मैं तेरे भाई की नहीं अपने पति की बात करने आई हूँ। उनकी इज्जत क्या है ये मैं ही जानती हूँ। उनका साथ देने के लिए तू उनके साथ नहीं है तो क्या हुआ? और भी लोग हैं। ए, तू उन्हें क्या सस्पेंड कर सकती है? वो आज के बाद तेरी फैक्ट्री में कदम नहीं रखेंगे क्योंकि वो इस्तीफा दे रहे हैं। कहीं भी जाकर किसी से भी कुछ कह दोगी? यह हक तुम्हें किसने दिया? क्या जरूरत है तुम्हें अपने घर पर जाके मेरी बहन से लड़ने की? वो मेरा घर नहीं है, तुम्हारी बहन का घर है। मेरे पति की बेइज्जती करने वालों का घर। बकवास मत करो। तुम्हारी बहन कुछ भी करती रहे, कुछ भी कहती रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे पति की कोई बेइज्जती करे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये हुई ना बात, सही कहा तूने बेटी। माँ जी। चुप रहो। तुम दोनों के मुंह का निवाला तेरी बहन ने छीन लिया। तेरे मुंह में जबान नहीं थी क्या? तुम दोनों की शादी में आने का वादा करके भी वो नहीं आई, तब तुमने उसे क्यों नहीं पूछा? महीने के लिए उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। इस बात पर अगर इसने गुस्से में कुछ कह दिया तो तुम्हें बुरा लग गया। मुझे माफ कर दो। हाँ? मेरे भाई ने शादी से पहले मुझसे जो कहा था मुझे मरते दम तक वो निभाना है। कहा था कि अगर मेरी आंखों में एक भी आंसू आया तो वो समझेंगे कि ये उनकी हार हुई है। उसी बात को कायम रखने के लिए मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है। मेरे भैया की एक छोटी सी गलती की वजह से मैं इन्हें माफ करने के लिए औरों के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाती तो मेरे भैया की ये बहुत बड़ी हार होती जो मुझसे सहन नहीं होता। मेरा भैया लाखों में एक है। मेरे बेगुनाह भाई को मैंने क्यों सस्पेंड किया ये सोचकर अगर मैं रोती रहती तो मेरे भैया की हार होती। जब मैं इनकी शादी में आने वाली थी तभी मेरे ससुर जी ने मुझे रोका। वो अपनी बेटी की शादी में आना चाहते थे। मेरा भाई मेरी शादी में नहीं आ सका और मैं उनकी शादी में नहीं आ सकी। अगर ये सोचकर मैं रोती रहती तो इनकी हार होती। कल तक मेरा भाई मेरी आंखों में था, आज मेरे दिल में है। जब तक वो दिल में रहेगा मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी। इसी बात की वजह से मेरी बहन पर मुझे कितना गर्व है ये मैं ही जानता हूँ। ये शराब पी करके गोदाम में माल से छिड़खानी कर रहा था। अगर हम लोगों ने नहीं देखा होता तो पता नहीं ये क्या करता। पूछो इससे। तुम सेठ के पास अकेले एक ही मजदूर नहीं हो, सैकड़ों मजदूर हैं। तुम सबके घर के चूल्हे बुझाकर अपने घर का चूल्हा जलाओगे तो वो कभी नहीं जल पाएगा। मुझे माफ कर दो करण, मैंने कच्चे माल में आग नहीं लगाई थी, बेकार के कचरे में आग लगाई थी। तो फिर वो कच्चा माल कहाँ पर है? वो माल तो गोदाम में उतरा ही नहीं, उस माल को बगल की फैक्ट्री में भेज दिया गया और उससे धागा बना करके अच्छे दामों में बेचा भी जा रहा है। इसी खुशी में मालिक ने बिजनेसमैन लोगों के लिए शानदार पार्टी भी रखी हुई है। तुम्हारे घर पर क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं? बेटा, जो काम बहू से छिपा कर किया जा रहा है इसका मतलब तुम दोनों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। मुझे तो डैड की बीमारी भी एक नाटक ही लगती है। तुम अगर साथ दो तो इस पर से पर्दा उठ सकता है। नमस्ते जी। वेलकम, वेलकम। नमस्ते जी। नमस्ते। इसमें 2 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट है। थैंक यू। धागा बनकर तैयार है, प्रोग्राम के बाद तुम उसे ले जा सकते हो। प्रोग्राम? सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं, सॉन्ग्स, डांस, सॉन्ग्स, खूबसूरत आइटम सॉन्ग्स। आइटम सॉन्ग? प्रोग्राम शुरू करवाओ। कम। तुम्हारी इन रंगरलियों में मैं कैसे आ गया यही सोच रहे हो ना? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी करतूतों का पता नहीं चलेगा? जिससे तुमने आग लगवाई थी ना उसी ने तुम्हारा राज खोल दिया है। एक शराबी को तुम पैसों से खरीद सकते हो मगर किसी को करोड़ों देकर उसकी आत्मा को नहीं खरीद सकते। कच्चा माल जल गया है कहकर तुमने मजदूरों की पगार रोक दी, नकली कागजात बनाकर इंश्योरेंस का पैसा अंदर कर लिया और उसी कच्चे माल का धागा बना के इन लोगों से सौदा कर रहे हो। अगर सरकार को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा पता है? अगर फैक्ट्री को बचाना चाहते हो तो सारे मजदूरों के सामने गुनाह कबूल करके माफी मांग लो और मजदूरों का हक उन्हें लौटा दो और सरकार का पैसा सरकार को, नहीं तो सही सलामत यहाँ से कोई भी नहीं जा पाएगा। नहीं करण, तुम ऐसा कुछ मत करना। मैं कल ही सारे मजदूरों से माफी मांग कर उनका हक उन्हें लौटा दूंगा और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। थैंक यू।
मालिक काली आ गया है। मैंने तुझे दोबारा यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि तू मेरा काम करेगा तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा जितना तू सोच भी नहीं सकता। ए, एग्रीमेंट दिखाओ इसे। ऊटी में जो मेरी 50 एकड़ जमीन है उसे मैंने तेरे नाम कर दिया है। 50 एकड़? उसे तुम बेचोगे भी तो भी तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तुझे मैं 24 घंटे का समय दे रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर तुझे करण का काम तमाम करना होगा। क्या ख्याल है? कल सुबह होने से पहले काम हो जाएगा, उसके आगे क्या होता है देखते जाओ। क्या मतलब? मातम करना, खुशियां मनाना, समाधि बनवाना। क्यों भाई, तुम तो सीधा सेठ के राइट हैंड बन गए हो। ये तो होना ही था। हाँ, और एक बात, उसने मुझे निकाला है, उसे अब इस दुनिया से निकालूंगा मैं। जो एक बार गुंडे से दुश्मनी करेगा उसे उसका शिकार तो बनना ही पड़ेगा। मैं उसके कायदे के मुताबिक काम कर रहा था, फिर भी उसने मुझे काम से निकाल दिया। इसलिए पहले मुझे करण से अपना हिसाब लेना है, उसके बाद सेठ से तो मैं अंदर रहकर आज नहीं तो कल अपना हिसाब कैसे भी करके ले ही लूंगा। लेकिन पहले करण से हिसाब चुकाना जरूरी है। आज का दिन सेठ के लिए अच्छा है और मजदूरों के लिए भी खुशी का दिन है। उस खुशी को हम मातम में बदल देंगे। इसीलिए आज ही तुम करण को सीधा नरक का रास्ता दिखा दो। तुम उसके पास जाओ और सीधा मार दो उसे। और तुम? मुझे करोड़पति बनाने वाले सेठ से जो मिलना है उसे उसके पुरखों के पास पहुंचाना है ना। नमस्कार। हर जगह पर आज हर कोई हम सभी लोगों की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन हम सबको ये चाहिए कि हमारे सेठ जैसे सभी सेठों की जय जयकार हो। सभी सेठों से महान हमारे सेठ हैं। अपनों के साथ साथ हर मजदूर का यह ख्याल रखते हैं। कभी कभी कोई जीतता है तो कभी कभी कोई हारता है। हमारी फैक्ट्री को छोड़कर सभी जगह 5-5 यूनियन है। एक यूनियन वाला जब हड़ताल करता है तो 4 यूनियन वाले काम पर लगे रहते हैं। इसी वजह से मजदूरों को कभी सही इंसाफ नहीं मिलता। जीतने वालों पर हारने वाले सवार रहते हैं और ये सुनकर मुझे दुख होता है। इसी फैक्ट्री में आपके जैसे जिम्मेदार इंसान हैं तो समझदार सेठ लोग भी हैं। आज के दिन हमारे मालिक हमारी मांग के अनुसार ही बोनस का अनाउंस करने वाले हैं और इसलिए हम उनका पूरे जोश के साथ स्वागत करेंगे। तुझे यहाँ किसने भेजा? यूनियन लीडर काली। वो कहाँ मिलेगा इस समय? मालिक को मारने उनके घर गया है। क्या? सुनो, तुम लोग इन्हें संभालो, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ और पुलिस को फोन करो। Oh, my God.
सेठ जी, अब देख मैं क्या करता हूँ। मुझे पुलिस से पकड़वाया था, करण। आशीर्वाद दीजिए पापा। खुश रहो बेटा। प्रणाम सेठ जी। खुश रहो। चलते फिरते समय अगर आशीर्वाद दे दिए होते तो आज आपको ये दिन देखने नहीं पड़ते। प्रायश्चित करने में देर हो गई, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। भगवान को दोष मत दीजिए, आपके बुरे कर्मों की वजह से ये हाल हो गया। ए, राजा, तुम बहू को लेके मुंबई चले जाओ और उस फैक्ट्री को मिलकर संभालो। यहाँ की फैक्ट्री बेटी देखेगी,
जो इन दोनों के नाम कर दिए और उसका साथ देने के लिए दामाद यहाँ पर है। मालिक, आपने हर किसी को सब कुछ दिया है, मैं आपके इतने सालों से चापलूसी कर रहा हूँ, मुझे आपने कुछ क्यों नहीं दिया? मैं तुझे एक बहुत बढ़िया नौकरी दे रहा हूँ। अरे वाह, आज के बाद मेरी व्हील चेयर तू ही चलाएगा। ये गाड़ी धकेलने से तो अच्छा है मैं आइसक्रीम की गाड़ी धकेलूं।